नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले CCNA का हमारा नेटवर्किंग का पार्ट टू है, जो हमारी मास्टर क्लास चल रही है CCNA के ऊपर, नेटवर्किंग बेसिक्स से लेकर एडवांस के ऊपर, जिसका ये पार्ट टू है। इसके पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में, फंडामेंटल्स जो होते हैं नेटवर्किंग के उसके बारे में मैंने बात करी थी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं राउटर, स्विचेस, लैन, वीलैन, सबके नेटवर्क के जितने भी होते हैं बेसिक डाउट्स होते हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए थे, विद प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन हुआ था हमारा वो। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि CCNA के अंदर अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर चला रहे हैं तो कैसे आपको रन करना है, क्या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यूज़र प्रिविलेज मोड कौन कौन से, मतलब प्रिविलेज मोड कौन कौन से होते हैं हमारे सिस्को के अंदर, वो सब चीज़ें मैंने बताया था आपको। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज मैं आपको कराने वाला हूँ हैंड्स ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर, जिसके अंदर ध्यान दें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बिना स्किप करें एंड तक देखेंगे आप, तो आप सिर्फ इस 3 घंटे के अंदर ही, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सारी वीडियो आपने देखोगे 2 घंटे में बना दें आपको नेटवर्क इंजीनियर, वो फेक प्रॉमिस नहीं करने वाला, पर हाँ इस 3 घंटे में अगर आप मैंने आपकी लॉजिक बिल्ड कर पाए और आपने प्रॉपर ढंग से देखी बिना स्किप करें, सो आई एम डैम श्योर कि आपका CCNA के ऊपर सिस्को के ऊपर काफ़ी हाथ साफ हो जाएगा। और ये हाथ साफ जो होता है ना, बेसिकली एक बार आपने सिस्को पे कर लिया तो उसके बाद फिर आप राउटर, स्विचेस, कोई भी कंपनी के कोई भी ब्रांड का उठा लो उसके ऊपर आप आराम से काम कर पाएंगे। इवन आप फायरवॉल लेवल तक का काम कर सकते हैं मेरी इस 3 घंटे की वीडियो को देखने से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक बात है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और जिसको मेरे साथ में कोर्स करना है 1-to-1, तो भाई मैंने चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर देना, वीडियो को अभी लाइक कर देना क्योंकि आगे जाके टाइम नहीं मिलने वाला, आगे जाके हमें फोकस करना है हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो इसके पहले आप अपना वीडियो स्टार्ट करें, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिस्को पैकेट ट्रेसर जो रहता है वो आप अपना ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। ये मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये बेसिक सिमुलेटर है जो सिस्को ने खुद ने बना के दिया है अपन को। इसके अंदर अपन सारे राउटर, स्विचेस, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है वो अपन कर सकते हैं। ऑल दो सिस्को की डिवाइसेज आर काफ़ी कॉस्टली होती है, तो इस चक्कर में आप हर स्टूडेंट्स उसके ऊपर हैंड्स ऑन ना नहीं कर सकता, इट्स नॉट दैट मच ईजियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर का यूज़ करते हैं। ये हमें रियल टाइम नेटवर्क कैसे बनता है वो पूरा दिखाता है, प्लस जो कॉन्फ़िगरेशन आप सिस्को में करने वाले हैं, डिवाइस में करने वाले हैं, रियल टाइम में करने वाले, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। कई बार कुछ लोग इसे बोलते हैं कि सर सिस्को पैकेट CCNA ट्रेनिंग में हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर पे काम करा दिया, लाइव पे एक बार भी हमें नहीं कराया, तो क्या हमने CCNA कंप्लीट कर लिया? बादू मैं आपको नहीं, आपने नहीं कंप्लीट करा। लाइव करते वक्त, लाइट डिवाइस पे काम करते हुए तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे ये दिक्कत आएगा, इस जगह आपको ये इशू है, क्योंकि मेरे पास उसके पास हमारे अकेडमी में लैब है सिस्को की, ठीक है ना, जहाँ पे अच्छा खासा लैब है, तो हम लोग उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बात जो करने वाले हैं आज, मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट क्लास में ले चुका था, पर मैं पहले एक नेटवर्क क्रिएट करूंगा, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ सिस्टम्स होंगे इस टाइप का, मैं एक नेटवर्क क्रिएट करने वाला हूँ जहाँ पे 2 स्विच होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे और फिर कंप्यूटर्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर पहले अपन बेसिक नेटवर्किंग जो होती है ना वो उसमें करेंगे, मतलब कि IP एड्रेसेस वगैरह देना। अगर मैं आपको रियल टाइम की बात करूँ तो ना, आपने 2 लैपटॉप को कम्युनिकेशन कराना है, तो 2 लैपटॉप को कम्युनिकेशन कराने के लिए बीच में कोई राउटर नहीं है। सो राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग IP एड्रेस। राउटर के अंदर होता है DHCP, DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद एक सेकेंड, हाँ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, चलो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है DHCP का फुल फॉर्म। उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी कोई नेटवर्क में डिवाइस जुड़ती है, जैसे लैन केबल अटैच करा, मैंने वाईफाई कनेक्ट करा, ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम को IP एड्रेस मिल जाता है। मेरा सिस्टम रिक्वेस्ट करता है उसको अपने मैक एड्रेस के साथ में कि बॉस मेरा ये मैक एड्रेस है और मुझे आप IP एड्रेस दे दो। उसके रिस्पॉन्स में आपको DHCP जो है, जो राउटर के अंदर रहता है ये प्रोटोकॉल, तो वो आपके सिस्टम को IP एड्रेस देता है। पर क्योंकि मैं ये स्विच बेस्ड नेटवर्क है मेरा, यहाँ पे मेरा कोई DHCP नहीं है, कोई मेरे पास राउटर नहीं है, सो उस कंडीशन में आपको IP एड्रेस मैनुअली कन्फिगर करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो रियल टाइम सिनेरियो में क्या करेंगे आप, अगर आपके पास 2 लैपटॉप है तो 2 लैपटॉप के बीच में एक लैन केबल लिया और लैन केबल इस लैपटॉप में लगाया, सेकंड लैपटॉप में लगा दिया, और उनके अंदर जाके आपको IP कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। वो दिखा दूंगा अभी कैसे करते हैं, ठीक है ना। और वो करने के बाद फिर 2 सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन है ना चालू हो जाएगा, बेसिक सा चालू हो जाएगा, तो अपन सारे काम कर सकते हैं। पर जब नेटवर्क बड़ा बनता है, मतलब 2 लैपटॉप से ज़्यादा लैपटॉप को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ पे सिस्टम, आपको वहाँ पे स्विचेस
लगेंगे, ठीक है ना। अब स्विच के अंदर, स्विच का सिंपल काम होता है, एक केबल से कनेक्टिविटी आ रही है, एक केबल से कनेक्टिविटी जा रही है, उसमें बहुत कुछ कॉन्फिगर करने का नहीं होता है जब तक कि आप उसमें एडवांस लेवल पर ना जाए। तो अभी मैं एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा आपको, तो चलिए बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बस इसको पैकेट ट्रेसर पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब दिख रहा होगा आपको, मैंने दो कंप्यूटर ले लिया, एक कंप्यूटर ये और एक कंप्यूटर ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। केबल का कनेक्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे केबल के सेलेक्ट करने के लिए नीचे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल डाउन में एक ना इलेक्ट्रिसिटी टाइप का साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे लिखा हुआ है कनेक्शन, इसको आप कंट्रोल ऑल्ट और ओ करके भी कर सकते हैं ओपन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अ केबल आ रही है जो हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना। अलग टाइप की होती है केबल्स, कंसोल केबल होती है हमारी, इसके अलावा कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल होती है, कॉपर क्रॉस ओवर केबल होती है, फाइबर केबल होती है, फ़ोन की केबल होती है हमारी, कोएक्सियल केबल होती है, उसके अलावा सीरियल डीसी की केबल होती है, सीरियल डीटी केबल होती है, उसके अलावा ऑक्टल केबल होती है, आईओटी केबल, कस्टम केबल्स होती है, उसके अलावा यूएसबी केबल, तो इतने टाइप के केबल्स होते हैं। पर आपने बोला तपन भाई मैं तो बिल्कुल बेसिक हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है केबल एबल क्या होती है और क्या सिलेक्ट करना है मुझे, है ना, कौन से डिवाइस के लिए। तो मैंने क्या करा, सीधे यहाँ पर क्लिक करा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो ऑटोमेटिक कर लेगा कनेक्शन, मतलब कनेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा केबल। क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करें, ये बेसिक कनेक्शन होता है जहाँ पे दो कंप्यूटर के बीच में हमने लैन केबल अटैच कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे डैश डैश वाली केबल आ रही दिख रहा है यहाँ पे सामने बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे एक डैश, दो डैश, तीन डैश, ऐसे डैश मतलब बीच में गैप्स है। तो गैप्स वाला जो कौन सी केबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे केबल दिख रही है, इसे हम बोलते हैं कॉपर क्रॉस ओवर केबल। जहाँ पे दो सिमिलर डिवाइस को जब आप जोड़ते हैं तो वहाँ पे कॉपर क्रॉस ओवर केबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आज की तारीख में वैसे ही हमारे निक काफ़ी स्मार्ट हो गए तो हमें इस चीज़ों ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको मैनुअली असाइन करना है, जैसे मुझे इसको डिलीट करना है कि तपन सर मुझे इस केबल को डिलीट करना है, क्या करना है, ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, दिख रहा होगा आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा सिर्फ इंस्पेक्ट के जस्ट बगल में, सेलेक्ट कर लो, यहाँ जाके क्लिक कर दो, हट जाएगा ये, ठीक है। अब मैंने केबल को उठाया, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिख रहा होगा आपको, आपने बोला कि तपन सर इसने तो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर दिया, पर मेरे पास तो ऑप्शंस होने चाहिए ना कि मुझे कौन सा, अगर मैं फिजिकली कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सिस्टम को, कि अपने सिस्टम में केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे देखना पड़ेगा कौन से पोर्ट में मुझे केबल लगानी है, दूसरे लैपटॉप पर कौन से पोर्ट में मुझे केबल लगानी है। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, आप ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पोर्ट सेलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली केबल सेलेक्ट करेगा और बस आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, बन गया नेटवर्क। बट कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा एट द बैक एंड उसने करा क्या, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार तो आप ऑटोमेटिक करके देखो कि हाँ भाई प्रॉपर आ गया, उसके बाद फिर एक मैनुअली पहले देख लो कि कौन सी केबल वो ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने कौन सी ली, हमारी ये वाली केबल ली जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखी डैश डैश वाली, ठीक है ना। अब इसको क्लिक करना है, क्लिक करके जैसे ये क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे RS232 दे रखा है एक पोर्ट है हमारा, उसके अलावा USB 0, USB 1, तो बेसिकली दो USB पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, और एक होता है फास्ट ईथरनेट, यही आपका ईथरनेट पोर्ट होता है जहाँ पर आप लैन केबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरी केबल लग गई है, अब मुझे दूसरे कंप्यूटर के पोर्ट में ये केबल लगानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो पूछेगा कि आपके कौन से ऑप्शन, अगर आप ट्राई करते हैं कि USB में डालने के लिए तो ऑब्वियसली बात है ईथरनेट केबल कहां यूएसबी में चल जाएगी, क्लिक करा कुछ नहीं आ जाएगा क्योंकि भाई कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश भी कर देना इसके अंदर तो वो गलत करने नहीं जाएगा, उसको पता है कि इस पोर्ट में ही जाएगा ही नहीं बॉस ये, ठीक है ना। तो यहां क्लिक करके आपको फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है, ठीक है। कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई है, अब एक बार कनेक्टिविटी मतलब आपको ग्रीन दिख रहा है, मतलब ये नहीं कि दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्योंकि यहां पे आईपी एड्रेस है ही नहीं दोनों के बीच में। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी एड्रेस डालने पड़ेंगे जब तक कि राउटर ग्रुप के अंदर ना आ जाए, इस पूरे फ्रेम के अंदर, इस पूरे डायग्राम के अंदर राउटर ना आ जाए तब तक आपको हर बार सिस्टम को ओपन करके उसमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आईपी एड्रेस देना बड़ा ही सिंपल है, पहले आपको डबल क्लिक करके कंप्यूटर को ओपन करना है। अब और एक और अगर आप चाहो तो नेमिंग करना, क्योंकि क्या होता है कि देखो अभी दो सिस्टम है ना, तो दो सिस्टम इजी है याद करना, PC 0 PC 1, बट ये जब नेटवर्क बड़ा हो जाएगा और कहीं वहाँ पे 30-40 सिस्टम होंगे, भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा नेटवर्क बनाऊंगा, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे की क्लास होने वाली है, तो उसमें पूरी चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। इसी एक वीडियो में आप पूरा सिस्को जो है ना कंप्लीट आपको आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अपना तो अपन सर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा मैं, तो जैसे मैंने बोला कि मेरा कोई भी एक भाई जो अपना नाम कमेंट कर दो, जितने मेरे भाई अभी सेशन देख रहे हैं अपने अपने नाम कमेंट, तो जो पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम डालूंगा यहां पे। तो पहला तो हो गया मेरा तपन कुमार झा, ठीक बात है। चेक कर लेते मेरे कौन से भाई जो है ना कमेंट करके बैठे हुए हैं, दर्शन भाई आपका क्वेश्चन लिया जाएगा, उस पर बनाया जाएगा वीडियो, टेंशन मत लो।
ठीक है, फटाफट चेक कर लेते हैं कौन से भाई ने मेरे कमेंट करा है। संस्कार SANSKAR, संस्कार, थैंक यू सो मच क्रिस्पी भाई। ठीक है ना, तो ध्यान दे चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है आपको, ठीक है ना। ये टू वे कम्युनिकेशन क्लास होती है आपको, जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस भी देख पा रहा हूँ और आप पढ़ भी पा रहे हैं। पढ़ते वक्त अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं क्वेश्चन हैंड टू हैंड ले लूंगा, अगर मेरे इस टॉपिक से होगा, टॉपिक के बाहर का होगा तो एंड ऑफ द क्लास लिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो संस्कार भाई और मेरा कम्युनिकेशन चालू है यहाँ पे। अगर आप इसके अंदर कुछ कलरिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो अभी एक दो सिस्टम में कोई इशू नहीं है, पर जब बहुत सारे सिस्टम हो जाएंगे तो आपको कलर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे क्लिक करा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं। लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ इक्लिप्स, उसके अलावा ड्रॉ फ्री फ्रॉम, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग दे रखे हैं ऑप्शन। तो मैंने ड्रॉ इक्लिप्स ले लिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आउटलाइन क्या करना और नो फिल। तो अभी नो फिल मतलब कि मुझे फिल नहीं करना, मुझे फिल कलर करना है। फिल कलर करके और फिर सेलेक्ट करना है मुझे कलर कौन सा लेना है। तो मैंने बोला कि मैं एक येल्लो लूँगा, डार्क येल्लो, ठीक है, ओके करता हूँ मैं। अब इसको मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो दिख रहा है आपको इस तरीके से आपका आ जाएगा। एक ये हो गया, अब एक ले लेता हूँ मैं ग्रीन वाला, ठीक बात है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि मैं अलग अलग सिस्टम, जैसे अभी यहाँ पे तो है कि दो ही सिस्टम है तो इतना कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं है, पर जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम होंगे तो वहाँ पे आपको कलरिंग दे देंगे ना, तो आपको आईडी लग जाएगा। ये वही काम होता है जो आर्किटेक्ट करता है जब आप कोई घर बनाते हो डायरेक्टली, ऐसे नहीं कि आप ईंट पत्थर लेके और सीमेंट लेके पहुंच गए वहाँ पे साइट के ऊपर बनाने के लिए, उससे पहले उसकी डिजाइनिंग करी जाती है, उसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो डिज़ाइन रेडी है, क्या वो कॉन्फिगरेशन पूरी हो पा रही है, क्या जो साइज आप बता रहे क्या वो फिजिबल है वहाँ पे घर बनाना। ऐसे तो नहीं बोला अपने 5x5 के अंदर मेरा बेडरूम बना दो, तो 5x5 होता है ना, 5x5 फुट बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर आप बेडरूम नहीं बना सकते, वॉशरूम बन जाए बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे फिजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और बहुत सारी कंपनीज पहले ये डिजाइन करवाती है बड़े नेटवर्क के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप फ्रीलांसर किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते जो नेटवर्क डिजाइन बना बना के सिर्फ आप दें उनको, ठीक बात है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी मेरे यहाँ पे अब दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे ये इक्लिप्स ही बनेगा। उसके लिए अगर आप यहाँ पे लास्ट फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्री के अंदर, दिख रहा होगा सेकंड ट्री के अंदर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दें सेलेक्ट पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे क्लिक करना है। कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, अगर आपको आईपी एड्रेस चेक करना है तो बार बार कंप्यूटर को ओपन करके कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कंप्यूटर के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे, अपने आप एक बॉक्स खुल जाएगा और वो अपने साथ दिखा देगा कि ईथरनेट फास्ट ईथरनेट लिंक अप दे रखा है। अब क्यों दे रखा है, क्योंकि आपने लैन केबल लगा तो रखी है पर आईपी एड्रेस सेट ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस डालना पड़ता है, डायनामिक नहीं लेगा। डायनामिक जब तब लेगा जब वो राउटर होगा आपके नेटवर्क में, सही बात है, ठीक है। तो फास्ट ईथरनेट दिखा रहा है, लिंक अप है इसका और आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं है। मैक एड्रेस आपके सामने दिया हुआ है। ब्लूटूथ के बारे में इसमें कुछ नहीं दे रखा, अभी ब्लूटूथ के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपकी, वो डाउन है आपका। गेटवे मतलब कि आपका डिफॉल्ट गेटवे जो होता है, जो राउटर का एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट, वो आपने कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। डीएनएस सर्वर कुछ नहीं है और लाइन नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं दूसरे पे लेके जाऊं तो दूसरे के अंदर भी ऐसे ही नजर आएगा, फास्ट ईथरनेट अप है क्योंकि मैंने लैन केबल लगा रखी है और पोर्ट एक ही है उसके पास। इस होवर करने से आपको ये पता चल जाएगी उस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने पोर्ट, दिख रहा है यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 लिखा हुआ है, अगर कहीं पे दो पोर्ट होंगे तो फास्ट ईथरनेट 1 दिखेगा, फास्ट ईथरनेट 2 दिखेगा, मतलब कि जितने पोर्ट होंगे उतने नजर आ जाएंगे आपको यहीं से। तो आपको हर कंप्यूटर को ओपन करके बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, सामने ही आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैंने क्या आईपी एड्रेस सेट कर रखा है। चलिए अब आईपी एड्रेस फटाफट सेट कर लेते हैं। पहले वाले कंप्यूटर में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, दिख रहा होगा आपको। पहले इसको जूम इन कर लो, ये आपका पूरा सीपीयू डब्बा हो गया, कंप्यूटर है, ठीक है ना। कंप्यूटर में यहाँ पोर्ट वगैरह दे रखे, यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स दे रखे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जब आप यहाँ पे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूल्स के ऑप्शन दे रखे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक करते थे किस चीज का है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, लेट सपोज माइक्रोफोन पर क्लिक करा मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ देखो नीचे ऑप्शन दे दिया, माइक्रोफोन अलाउज अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड, और यहाँ पे एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दे दिया। तो मतलब बेसिकली क्या है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिसको आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैंने कि ये सारे मॉड्यूल्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वैसे जैसे फिजिकली आपने सीपीयू लिया और सीपीयू के बाद फिर आपने क्या करा, ठीक है, ये आपने सीपीयू लिया और सीपीयू के बाद आपने क्या कर दिया, केबल लगा दी उसके अंदर या फिर कोई डिवाइस लगा दी। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, जैसे मैंने ऑफ करा, दिख रहा होगा आपको कंप्यूटर ऑफ हो गया, यहाँ पे एक हरी बत्ती जल रही थी वो बंद हो गई। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा कंप्यूटर चालू हो गया। तो ऐसे करके मतलब फिजिकली वाला पूरा आपको सीन मिलेगा आपको। फिर कॉन्फिगरेशन करने जाता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है मुझे, ठीक है ना। डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन डायल अप करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इवन आप ब्राउजर करना, क्योंकि जब आप नेटवर्क में सर्वर बनाएंगे और उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके डेस्कटॉप में ब्राउजर तो होना चाहिए ना। तो ये वेब ब्राउजर के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं।
उसके अलावा पीसी का वाईफाई वायरलेस एक्सेस अगर आपने एक्सेस पॉइंट डाला हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर तो कनेक्टिविटी आप यहाँ से कर सकते हैं। वीपीएन कनेक्शन, ट्रैफिक जनरेटर, एमआईबी ब्राउजर, सिस्को आईपी कम्युनिकेटर, ईमेल, ट्रिपल पीओई डायलर और फिर और भी बहुत सारे फायरवॉल वगैरह सब दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। आईओटी मॉनिटरिंग, आईओटी आईडी दे रखा है, यूजर ऐप यूजर्स दे रखा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखा है, टेलनेट दे रखा है, टीएफटीपी सर्विसेज दे रखा है, मतलब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे दी है। अब आपको करना क्या है, मुझे आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मेरे सामने यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दे रखा है उस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस दे रखा है और फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे दे रखा है मेरा फास्ट इथरनेट। अगर आपके मोर देन वन इस सिस्टम के अंदर मोर देन वन पोर्ट्स हैं आपके इथरनेट के तो उस कंडीशन में आप सेलेक्ट करके उसको 1, 2, 3 भी कर सकते हैं जो भी आपका। तो अभी मेरे पास एक ही इथरनेट पोर्ट है तो एक ही ऑप्शन आ रहा है सामने। देखो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में DHCP और स्टैटिक। तो DHCP तब आपका इनेबल होगा जब आप राउटर के अंदर DHCP कन्फिगर चुके होंगे। राधू गाइज में यहाँ पे कि ना जब आप राउटर यूज करते हैं सिस्को का जो मैनेजेबल होता है, ठीक है ना, राउटर और स्विचेस में दो टाइप के होते हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। नॉन मैनेजेबल में क्या होता है, सिर्फ प्लग इन प्ले वाला सीन होता है, वहाँ पे केबल लगाओ बस, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना होता, ऐसा कुछ बॉक्स वगैरह मतलब जो भी दिखाऊंगा मैं आपको सिस्को के अंदर ओपन करके वो सब नहीं खुलता। और मैनेजेबल में क्या होता है कि टर्मिनल मिलता है आपको, सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं चला रहा हूँ सिस्को के अंदर, अभी तो ये मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, अभी जो मैं उसके बाद में चलाऊंगा वो मैं मैनेजेबल चलाऊंगा। तो वहाँ पे आपको सिस्को के अंदर अगर कोई राउटर है तो राउटर में डायरेक्टली केबल कनेक्ट करके आपको नेट नहीं चल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको पहले DHCP क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आईपी का पूल देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जब आप राउटर में सारा काम कर दोगे तब जाके DHCP यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ये ऑप्टेन कर लेगा वहाँ से, ठीक है ना। तो वो करने के लिए आपको पहले राउटर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला, अभी अपन स्टैटिक देने वाले हैं। स्टैटिक में मुझे आईपी एड्रेस देना, तो अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन कराना है। 192.168.1.100 मेरा फेवरेट है तो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने टैब मारा, टैब मारते ही इसने देख लिया कि भाई ये क्लास सी का एड्रेस है। जिसको क्लास सी ABC आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता, गूगल पे आके थोड़ा सर्च कर लेना क्लास ABC क्या है। उसके अलावा जिसको मेरे साथ में कोर्स करना है तो भाई मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप भर सकते हैं। हाँ दिखाता हूँ मैं, आईपी क्लासेस। जिसको कोई कोर्स करना है मेरे साथ में तो मैंने चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं, ठीक है ना, कोर्स करने के लिए। और अगर आपको अपने करियर का गाइडेंस चाहिए, तबन भाई मुझे करियर में गाइड करें, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जॉब लें, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लास ABCD चार मतलब पांच तरीके की हमारी क्लासेस होते हैं जिसमें जो बेसिकली हमारे काम आते हैं। ABC सी हम लोग काम करते हैं, डी और ई हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर अपना उसका एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसको मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, दिख जाएगा उससे आपको। हाँ ये क्लास ले लेते हैं अपन, ये इमेज अच्छी है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख रहा है क्लास के बार ए के अंदर 0 से लेके 127 के बीच में जो होता है क्लास ए का एड्रेस होता है। क्लास बी के अंदर 128 से लेके 191 तक जो होता है ना वो आपका क्लास बी का होता है। क्लास सी के अंदर 192 से लेके 223 के बीच में जो होता है इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है। और यही डिफाइन करता है कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं और आपके नेटवर्क में कितने सिस्टम आप जोड़ पाओगे, ठीक है ना। अगर 255.255.255.0 जो जीरो वाला पार्ट है ना वो ब्लैंक पार्ट होता है, मतलब उस वाले ब्लॉक में आप कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो अगर लास्ट वाला जीरो वाला पार्ट है तो एक लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर, जैसे हमने पिछले क्लास में ये बात कर चुका हूँ मैं आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में बात करी थी कि हमारे एक ब्लॉक में 255 सिस्टम जुड़ते हैं जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टोटल 256 आईपी एड्रेस की कैपेसिटी होती है जिसमें से यूजेबल एड्रेस 254 ही होते हैं क्योंकि फर्स्ट और लास्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। सच मैं आपको यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा होगा 255.255.255.0 और यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईपी एड्रेस डाल के टैब का बटन होता है हमारे कंप्यूटर हमारे कीबोर्ड के ऊपर, टैब का बटन दबाऊंगा मैं तो ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क फिल कर देगा। यहाँ पे अभी मुझे डिफॉल्ट गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे अभी राउटर नहीं है। स्विच लेवल तक अगर आप कोई कम्युनिकेशन करा रहे हैं तो आप आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देके भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। इतना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हर कंप्यूटर में करना है। जब मैं आगे लैब बनाऊंगा और सिस्को वगैरह के ऊपर अपन काम करेंगे तो ये बेसिक काम आपको हर कंप्यूटर में करना पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस चीज़ को और मैं अब आगे जो करूँगा थोड़ा फास्ट करूंगा अलग अलग कंप्यूटर पे जब मैं यही सेम काम करूंगा तो, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया,
अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। तो जब यहाँ पे होवर करूंगा तो अब दिख रहा होगा आईपी एड्रेस अब सेट हो चुका है, 192.168.1.100 आ चुका है और /24 आ गया है। तो मतलब कि सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये इसका बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसमें /24 लिया है। अगर किसी को बहुत डिटेल में चाहिए आईपी एड्रेस पे, आईपी एड्रेस के ऊपर वीडियो, तो कमेंट में डाल देना वीडियो खत्म होने के बाद में, तो मैं डिटेल में लेकर आ जाऊंगा सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सब चीज है। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं मैं एक बार। यहाँ क्लिक करके मैं सेम वही ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं जो मैंने पहले करा है, आईपी में जाने वाला हूं यहां पे जाके। अब यहां पे उसी रेंज का नेक्स्ट आईपी एड्रेस देने वाला हूं, 168.1.101। टैब मारा, अपने आप आईपी एड्रेस ले लिया, सबनेट मास्क की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्लिक करता हूं, देखता हूं मैं कि क्या है। बिल्कुल यहां पे भी मेरे पास आ गया है 192.168.1.101। अब अगर मैं कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट वैसे ही जैसे आपके विंडोज़ के अंदर आप विंडोज़ की प्लस आर दबा के, ठीक है ना, रन कमांड ओपन करते हैं और यहाँ पे आगे आप CMD टाइप करेंगे, CMD टाइप करके एंटर मारेंगे तो आपके सामने एक ना ब्लैक सी विंडो आ जाएगी जिसके ऊपर आप अपने कमांड्स जो है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं टाइप करूँगा आईपी कॉन्फिग, ये रियल टाइम में बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे आईपी की कॉन्फिगरेशन नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, जो काफी हद तक बिल्कुल सेम रहती है जो मैं अपने वर्चुअल मशीन में करने वाला हूँ। ये दिख रहा होगा आपको मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पर आ गया है। अब जब यही काम अगर मैं इस वाले टर्मिनल में करता हूँ जो मेरे वर्चुअल टर्मिनल है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा आईपी कॉन्फिग, एंटर मारता हूँ मैं, तो मेरे सामने मेरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन आ गया, दिख रहा होगा आपको 192.168.1.100 मेरा आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क ने बाय डिफॉल्ट जो लिया है वो 255.255.255.0, क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखा है डिफॉल्ट गेटवे 0.0.0.0, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबनेट मास्क की डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है। वीडियो का स्क्रिप्ट मत करना, पहले ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं बीजी जो काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है, जैसे अभी इससे पहले मैं बताया कि क्लासेस क्या होती हैं, जो शायद जिन्होंने डायरेक्टली स्किप करके यहाँ पर आए होंगे उनको पता नहीं हो क्लासेस के बारे में, पर मैंने ऑलरेडी वीडियो में ले लिया, तो स्किप मत करना पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगेगा ना कि यार ये चीज़ शायद आपको पता नहीं होगी, तो मैं बताता रहूँगा बीच में। स्किप मारोगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जाएंगी और सीधे आप कॉन्फिगरेशन पहुँच जाओगे, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और कोर्स करने के लिए फॉर्म दिया हुआ, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो भाई अपने लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, तो ये अपन ने कर लिया है। और अब अपन चेक करते हैं पिंग करके हमारे सिस्टम को, सामने सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.1.101। इसको मैं CLS मार देता हूँ, सॉरी क्लियर करता हूँ यहाँ से। अच्छा, टेबल टर्मिनल रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले, यहाँ पे मैं पिंग करने वाला हूँ PING 192.168.1.101। अब देखो जब मैंने यहाँ पे 1.101 करा तो यहाँ पे मेरा ये जो है रन करना चालू हो गया, दिख रहा है आपको। और मतलब रिप्लाई फ्रॉम, आपको रिप्लाई देखो यहाँ पे आप इसको पढ़ते कैसे समझाता हूँ मैं आपको। पिंगिंग किसको पिंग कर रहा है, ये इस वाले आईपी एड्रेस को, जो सामने वाली मशीन का आईपी एड्रेस था, कितने बाइट के पैकेट, 32 बाइट का पैकेट डेटा भेज रहा है वो ऑफ डेटा। अब रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई आया तो बिल्कुल रिप्लाई आया, रिप्लाई फ्रॉम कहाँ से आया, ये 192.168.1.101 से, 101 से आईपी रिप्लाई आ रहा है। और बाइट क्या है, 32 बाइट का डेटा उसने दिया है। ठीक है, और टाइम कितना है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीसेकंड्स में इसने रिप्लाई करा है। TTL जो वैल्यू दे रखा है ये 128 दे रखा है। ठीक है ना, अब इसके अंदर डिटेल वैल्यू 128 और 64 होती है, और कई बार हम इससे हम लोग OS के बारे में भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि कौन सा OS होना चाहिए सामने वाले सिस्टम पे। ठीक है, अगर अब मैं कोई ऐसा आईपी एड्रेस पिंग करूँ जो शायद एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा मुझे, ये भी अपन चेक कर ले। देखो ये हिडन ट्रायल मतलब आपको करना पड़ेगा ताकि आप एरर देखते समझ में आ जाए कि यार कहाँ पे है, क्योंकि जब आप सिस्को के ऊपर काम करते हैं ना, सिस्को एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर काम करने के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए आपको। इसलिए सिस्को डिवाइस को चलाने से पहले बोलता है कि आप पहले ट्रेनिंग कर आओ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं कोई भी कर ले। इसलिए तो आपको जब आप काफ़ी सारे एरर्स जनरेट करेंगे, एंड व्हेन यू सी कि यार इस एरर को जनरेट करने पे ये एरर आ रहा है, मतलब ये गलत कमांड डालने पे मेरे को ये एरर आ रहा है, तो जब भी आप बड़े कोई नेटवर्क को कन्फिगर करने जाओगे ना, और वहाँ पे आप एरर देख समझ में आ जाएगा कि यार इसका इशू क्या है और कैसे इसको रिजॉल्व करना है, जिसे हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नेटवर्किंग। ट्रबल शूटिंग लोगों को आती नहीं है और अपनी जाती नहीं है। ठीक है, तो एंटर मारता हूँ मैं, एंटर मारने दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो मैंने ऐसे आईपी एड्रेस को पिंग करने की कोशिश करी है जो एग्जिस्ट नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब 192.168.1.102 मैंने अभी तक किसी सिस्टम को नहीं दिया, तो इसलिए वो दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट। ठीक बात है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क करता है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं। अब सबसे बड़ा इशू कि तपन सर अगर मुझे एक कंप्यूटर और लगाना है,
ये कंप्यूटर लगाना है नेटवर्क के अंदर, तो उस कंडीशन में कैसे करूंगा मैं, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मान लो आपको इन केस यहां पे एक कंप्यूटर और लगाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको जोड़ना कैसे, तो वो बताने वाला हूं मैं कैसे जोड़ना है आपको। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए अब देखो यहां पे अगर मैं केबल के लिए जाऊं, केबल लेता हूं, कनेक्ट हुआ, केबल कैन नॉट कनेक्ट ऑन दैट पोर्ट, ऑप्शन ही नहीं है बॉस अपने पास, क्या करें इसके अंदर, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब उस कंडीशन में करना क्या है, इसको मैं रिमूव करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूं और अब जाते हैं अपन, अब यहां पे मुझे लेना पड़ेगा एक स्विच, ठीक है, अब मैं यहां पे एक ले रहा हूं स्विच। अब इस स्विच से होने वाला क्या है बेसिकली, अब इस स्विच से स्विच लेना है मुझे यहां पे और इसको बीच में लगा देना। ये स्विच जो है बेसिकली किस लिए काम आता है, जब आपको कनेक्शन को एक ही नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के अंदर मोर देन वन कनेक्शन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब अब मैं चाह रहा हूं कि ये मेरा जो कनेक्शन है, एक लाइन जो आ रही है, इसको मुझे मल्टीपल लोगों तक पहुंचाना है, मल्टीपल लोग कनेक्ट कर सके सेम लाइन से, या फिर मल्टीपल सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है मुझे, मैं यूज करने वाला हूं स्विच को, ठीक है, स्विच को यूज करके ही मैं बहुत सारे सिस्टम को आपस में जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो ये अपन करने वाले हैं, अब ठीक, तो मैं यहां पे जाता हूं, अब पहले मैं ये वाली केबल जो है इसको मैं हटाता हूं, क्योंकि जब तक ये केबल रहेगी उससे पहले मैं कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही पोर्ट है हमारे कंप्यूटर के पास। अब क्या करा मैंने, देखो यहां पे मैंने दो सिस्टम से मेरे केबल हटा दी मैंने बीच में, वापस सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूं, ये बटन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, अगर आप स्किप स्किप कर आए तो शायद आपको पता नहीं चला कहां से मैं निकाल रहा हूं बटन, तो इसलिए ये सारे स्किप मत करना, स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में देखना तो हर चीज समझ में आ जाएगी, वरना बीच में छोटी छोटी चीज होती है जो मैं बताता हूं तो शायद आप स्किप कर जाओगे अगर आप स्किप मारोगे वीडियो तो, ठीक है ना। और कोर्स करना तो भाई फॉर्म दिया हुआ है, चैट बॉक्स में जाके भर सकते हैं, और ओवर द कॉल कंसल्टेंसी चाहिए कि करियर गाइडेंस चाहिए कि सर आगे करना क्या है, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करा, अब मुझे केबल लेनी है, तो केबल के लिए देखो मैं यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक नहीं ले रहा, मैं मैनुअल वाली केबल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो क्योंकि मुझे पोर्ट को देख के वहाँ पोर्ट पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करा तो मुझे फास्ट ईथरनेट पर क्लिक करना है, और जब मैंने इस पर क्लिक करा तो अब ये बोला कि भाई देखो यहाँ पे 24 पोर्ट का मेरे पास ये स्विच है, समझ में आ रहा है आपको, जिसके अंदर एक कंसोल पोर्ट मिलेगा और इसके अंदर एक पोर्ट और आता है ऑक्सिलरी पोर्ट, ठीक है ना, कंसोल पोर्ट। अब यार आपके सामने तपन सर ये कंसोल पोर्ट क्या लिया है, मतलब अभी तक तो फास्ट इथरनेट से उभरे नहीं थे, अभी कंसोल पोर्ट और आ गया बीच में, ठीक है ना, फिर बाद में आप ऑक्सिलरी और बोल रहे हो कि क्या चल के आ रहा है, मतलब क्लास के अंदर इतनी सारी नई नई चीज़ें एक साथ कैसे अब्सॉर्ब करेंगे। बता दूं मैं आपको, स्विच के अंदर डायरेक्टली अगर मुझे स्विच के अंदर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, जैसे मान लो कि ये विंडोज, ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर मैंने डाला हुआ है, तो जब मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो मेरे सारे कनेक्शन हट जाते हैं। ये वैसे ही जैसे आप टीमवेयर एक्सेस लेते हैं या फिर एनी डेस्क एक्सेस लेते हैं, मतलब रिमोट एक्सेस लेंगे जब आप सिस्टम का, और इन केस अगर सामने वाली मशीन रीस्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक्सेस हट जाएगा। तो यहाँ पे कंसोल पोर्ट दे रखा है, उसमें क्या करना पड़ता है, हमें कंसोल केबल लगानी होती है और अपने कंप्यूटर में इसको ओपन कर लेना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने स्विच है मेरे पास, उस स्विच के अंदर मैंने कंसोल पोर्ट है मेरा और उससे मैंने लैन केबल लगाया, लैन केबल लगा अपनी जो कंसोल केबल है वो लगाई मैंने और अपने कंप्यूटर में अटैच कर दी, ठीक है। अब जब मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट करके मैं जब उसको ओपन कर रहा हूँ, तो अगर मेरा स्विच अगर विद इन द ड्यूरेशन रीस्टार्ट भी हो रहा है, चल भी रहा है, तो मैं पूरा डेटा यहाँ पे देख पाऊँ, मतलब उसके स्टार्टिंग का जो था ना लिखा था वेलकम टू विंडोज, तो वो सब इस टाइप का ना हमारे सिस्को की डिवाइस में भी आता है, तो वो सब मैं देख पाऊंगा। विंडोज तो नहीं आएगा उसमें, उसका खुद का ही अपना ओएस के बारे में लोड होते हुए आएगा पूरा डिटेल, तो वो देख पाऊंगा। तो वो कंसोल पोर्ट हमारा इसलिए होता है कि हम उससे जुड़ के, उस डिवाइस से जुड़ के कनेक्शन लेके कॉन्फ़िगरेशन कर सके। रिमोटली कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको पहले जो स्विच है उसके अंदर टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा। टेलनेट एक कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, टेलनेट जिसको नहीं पता टेलनेट के बारे में थोड़ा गूगल पे सर्च कर ले, दिखा भी देता हूं मैं एक बार। ठीक है, टेलनेट बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल ये मॉडल पे काम करता है, ठीक है ना। इसका हम क्या होता है, जैसे कोई आपका टर्मिनल है,
उसको एक्सेस करने के लिए हम काम आता है। अब जैसे मेरा स्विच है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ट्राई करूंगा, मैं एक स्विच लेकर आऊंगा, ठीक है ना, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक्चुअल स्विच होता कैसे है, ठीक है ना। तो आपको इजी रहेगा समझने में कौन सी केबल हम यूज करते हैं, ये भी मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रिक्वेस्ट करेंगे अगर मुझे कम से कम 200 से ऊपर कमेंट इस वाली वीडियो में मिलेंगे, 200 कमेंट के ऊपर मिलेंगे मुझे इस वीडियो खत्म होने पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, तो आप थर्ड वीडियो आएगी इसकी जिसके अंदर मैं आपको हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर दिखाऊंगा, कनेक्टिविटी कैसे होती है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, पर उसके लिए मुझे 200 के ऊपर कमेंट चाहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है बेसिकली यहाँ पे कि जो टेलनेट है आपको पहले उस स्विच के ऊपर या राउटर के ऊपर टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा, फिर आप लाइन केबल के थ्रू आपके कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। कमांड आप डालेंगे टेलनेट CMD ओपन करके डालेंगे टेलनेट स्पेस देके IP एड्रेस और फिर कनेक्टिविटी कर लेंगे, अभी करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा मैं हमारे इसके अंदर, इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है। और अगर इनकेस टेलनेट आपने इनेबल नहीं कर रखा तो उस कंडीशन में आपको कंसोल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी आता है, ऑक्सिलरी एक बैकअप पोर्ट की तरह हमारा काम करता है, ठीक है ना। अगर इनकेस एक बंदा उसके अंदर ऑलरेडी कंसोल केबल लगा के अटैच करके बैठा हुआ है तो आप ऑक्सिलरी के थ्रू भी आप उसमें कनेक्टिविटी ले सकते हैं। इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एक्सेस। आउट ऑफ बैंड एक्सेस का पर्पस होता है क्या होता है, जब सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है तब भी कनेक्टिविटी बनी हुई है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपका स्विच रीस्टार्ट हो रहा है तो भी आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा उस डिवाइस से, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एक्सेस, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे फास्ट इथरनेट 24 पोर्ट है और फास्ट साथ में लास्ट में दो जो है ना गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। गीगाबिट इथरनेट पोर्ट इसकी स्पीड होती है 1 GBPS, फास्ट इथरनेट पोर्ट की स्पीड होती है 100 MBPS, ठीक है। तो आप चाहो तो गीगाबिट पे कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और चाहो तो फास्ट इथरनेट पे कनेक्ट कर लो। लैब के दौरान आप फास्ट इथरनेट पे करो क्योंकि बहुत सारे आपको कंप्यूटर जोड़ने होंगे। जोड़ दिया, अब दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है। तो इसके स्टेटस, तीन टाइप के स्टेटस होते हैं आपके इसके, जैसे मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। रेड मतलब कि डिसेबल, कनेक्शन डिसेबल, तो उसमें कुछ नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी। ऑरेंज मतलब कनेक्टिंग, कनेक्टिंग होता है ना, तो ऑरेंज का जब अगर ऑरेंज आ जाए मतलब कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, और ग्रीन मतलब कि कनेक्शन रेडी, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से तो कनेक्शन रेडी है पर यहाँ से कनेक्शन अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, समझ में आ गया। इस ये दो टाइप के स्टेटस होते हैं, मतलब तीन टाइप के स्टेटस होते हैं आपके, इसमें थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। साथ में आप दूसरा आप लीजिए, यहाँ पे आपने क्लिक करा फास्ट इथरनेट, यहाँ पे क्लिक करके अब देखो 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0/1 जो था ना वो नहीं आ रहा, अब फास्ट इथरनेट 0/2, क्योंकि 1 जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया आपने, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मेरे को 2 पे नहीं कनेक्ट करना, मुझे 3 पे करना था, पंसर नहीं कर रहा मैं, मेरी मर्जी, मैं किसी पे भी करूं, तो आप यहाँ पे पॉसिबल है, आप 3 पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 पे भी कर सकते हैं। पर जब आप ऑटोमेटिक वाला सेलेक्ट करेंगे ना, जो पहला वाला ऑप्शन है इसका केबल का, वो सेलेक्ट करेंगे तो ये सीक्वेंस फॉलो करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा, ठीक बात है। तो अभी मैं सेकंड पे कर रहा हूँ, अब दिख रहा है ये दोनों ग्रीन हो गया, मतलब कि कनेक्टिविटी चालू हो गई इनके बीच में, ठीक है ना। और इसके अंदर भी अभी ऑरेंज हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम पे IP एड्रेस अभी भी डले हुए हैं, हाँ बिल्कुल डले हुए हैं, तो सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर आप केबल हटा के और स्विच भी लगाते हैं बीच में तो कुछ बड़ा कोई काम नहीं करना, और स्विच जो है ना ये ऑटोमेटिक काम करता है, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने ना जाए, ठीक है। तो एक बार बस ये ग्रीन हो जाए, ग्रीन से पहले आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, बता दूं मैं आपको, ग्रीन जब हो जाएगा तो कनेक्टिविटी यहाँ से चलोगी, क्योंकि देखो ये ब्रिज है ना, अगर ब्रिज का एक पार्ट अगर ब्रेक हो रहा है तो आप कैसे कनेक्टिविटी करोगे। तो अब ये पूरा ग्रीन हो गया है, तो अब मैं जाता हूँ तपन कुमार झा सिस्टम के ऊपर, और इतना देख लिया तो भाई एक बार सब्सक्राइब भी मार देना। ऑल दो वीडियोज़ पे आज व्यूज़ कम है क्योंकि काफ़ी लोग दशहरा मना रहे होंगे और हमारा दशहरा आपको पढ़ा के ही मनता है, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके एक बार शेयर भी जरूर कर देना वीडियो को, अच्छी लग रही है तो, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं, ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं पिंग करता हूँ वापस से सेम वही काम, पिंग 192.168.1.101, ठीक है, एंटर मारता हूँ मैं। अब दिख रहा होगा आपको कनेक्टिविटी चालू हो गई और आपका कनेक्शन अभी रेडी है, तो मतलब स्विच लगा दिया, प्रॉपरली स्टेब्लिश हो गया है वो और कनेक्शन चालू हो गया है। ये बेसिक वर्किंग होता है किसी भी स्विच का, मतलब आप कनेक्ट कर दो बीच में और चला लो। इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे यस सर डाल दीजिए। भाई अभी एंड्रॉइड टेस्टिंग पे नहीं आएगी वीडियो, उसके लिए आप ना मेंबरशिप में देख लीजिए, उसमें डालेंगे अपन।
हाँ भाई बता दूं मैं आपको कि कंप्यूटर ऑफ नहीं, बेसिकली स्विच ऑफ रहेगा, तो स्विच अगर ऑफ रहेगा और ऑफ करते जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो स्टार्टिंग से ही आपको पूरी डिटेल देना शुरू कर देगा, मतलब उसका ओएस लोड हो रहा है वो भी बताएगा आपको, वही होता है हमारे कंसोल पोर्ट का काम। पर टेलनेट की जो एक्सेस लोगे आप, तो जैसे ही वो स्टार्ट, अगर इसमें आपने बंद करके स्टार्ट करा तो कनेक्टिविटी नहीं देगा, पहले वो स्टार्ट हो जाएगा, पूरा सर्विस रन करेगा, फिर आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं, दोनों में अंतर ही होता है। चलो यहाँ पे राजेंद्र को समझ, राजेंद्र आ गया हमारे साथ में, हैक वंडर को आ गया समझ में, क्रिस्पी को समझ में आ गया, आर एम गेमर को आ गया, मिस्टर रोबोट को आ गया। बता दूं गाइस मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्को वाला जो पार्ट है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे लोगों लगता है सिस्को वाला नेटवर्किंग क्या करें, पर ये करे बिना आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर ही नहीं कर पाओगे बॉस, ठीक है ना। चलेगा बॉस चलेगा, बिल्कुल राजेंद्र लेकर आएंगे जल्दी, ठीक है समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो ये बेसिक वर्किंग होती है। अब आते हैं अपन स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दो स्विच लेता हूँ, दो स्विच के बीच में सारा आपको कनेक्टेड करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लेता हूँ अभी इस वाले नए फ्रेम में, नए फ्रेम पे आ गए अपन। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले दो, पहले चार कंप्यूटर लेंगे मैं, धीरे धीरे ना क्वांटिटी जो रहेगी इस कंप्यूटर की वो बढ़ाऊंगा, और सेम टास्क को परफॉर्म करूंगा जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ बड़े डिटेल के अंदर, ठीक है ना। तो थोड़ा फास्ट लूंगा मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कंप्यूटर्स के अंदर, पर जब स्विच ही कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं बहुत धीरे लूंगा, ठीक है ना। और अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा तो पिछला वाला भी देख लीजिए, देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है जो शायद आपको अब समझ में थोड़ा सा कम आया, क्योंकि मैंने बीच में कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। तो मैंने कंप्यूटर ले लिया, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, थर्ड कंप्यूटर और ये फोर्थ कंप्यूटर, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे क्या लेना है, दो स्विच लेने हैं, एक स्विच ये, एक स्विच ये, ठीक है। कनेक्शन अभी मैं ऑटोमेटिक ले रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना, तो मैं अब मैनुअल करने जाऊंगा तो टेक्स लॉन्गर टाइम। फर्स्ट यहाँ कनेक्ट करना है और यहाँ क्लिक करना है, बस क्लिक क्लिक चलेगा। फर्स्ट पोर्ट तो ये हो गया, सेकंड पोर्ट ये हो गया क्योंकि आपने सेकंड बार क्लिक करा था, अब थर्ड पोर्ट ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। या फिर आप चाहें तो थर्ड पोर्ट कॉमन रखिए दोनों, क्योंकि जब आप थर्ड पोर्ट इसका लेंगे ना, इसका तो फर्स्ट पोर्ट ही रहेगा ना, इस स्विच का फर्स्ट पोर्ट रहेगा, इसका थर्ड पोर्ट रहेगा, तो वो थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें आप, पहले फर्स्ट पोर्ट ये हो गया स्विच का भी, सेकेंड पोर्ट ये हो गया, अब ये थर्ड पोर्ट कॉमन हो गया दोनों का, ठीक है ना। आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं अपने नेटवर्क की, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि यार सिंक होना चाहिए पूरा का पूरा डायग्राम, ताकि बड़े नेटवर्क होने पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। धीरे धीरे मैं नेटवर्क को बढ़ाता चला जाऊँगा और कॉम्प्लेक्स होता चल जाऊँगा, पर अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी तो आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब दिख रहा है आपको ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट एक बार, ऑरेंज स्टेटस का मतलब क्या होता है गाइस, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो एक बार। गाइस फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो एक बार, ऑरेंज स्टेटस का मतलब क्या होता है, फास्ट फास्ट। राजेंद्र भाई अभी नेटवर्किंग क्लास चल रही है, हैकिंग के अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, फास्ट गाइस फास्ट, ठीक है। यानी कि कनेक्टिंग प्रोसेसिंग में, बहुत बढ़िया हैक वंडर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। जो लोग अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर जिनको, जो लोग इंट्रैक्शन कर रहे हैं, बता दूं मैं आपको, 3 घंटे में आप सिस्को इंजीनियर बन जाओगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका, ये कनेक्ट, ये आपने सारा कनेक्शंस कर दिया। अब क्या है आपको, पहले आप बेसिक आईपी एड्रेस डाल दो सारे सारे सिस्टम के ऊपर। तो फटाफट मैं आईपी एड्रेस डालना शुरू करता हूँ, और मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस लिख देता हूँ नीचे, है ना। यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखने से ऐसा नहीं कि अंदर कंप्यूटर में आईपी एड्रेस चल जाएगा, ये सिर्फ नाम होता है कंप्यूटर का। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो उससे ना कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 101, अब मैं 101 से स्टार्ट करता हूँ, अब कुछ लोग ये बोले तो अपन सर आपने वापस से 101 ले लिया, 101 तो अपने दूसरे डायग्राम पे ले लिया है। तो बता दूं मैंने दूसरा डायग्राम जो है ना मेरा, वो इस डायग्राम से कनेक्टेड नहीं है केबल के थ्रू। अगर कनेक्टेड होगा तो फिर मैं सेम आईपी एड्रेस ले नहीं पाऊंगा पूरा नेटवर्क के अंदर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैंने 101 जो लिया, ये मैंने पिछले वाले डायग्राम में भी लिया था 101। तो अगर दोनों डायग्राम आपस में अटैच है बाय यूजिंग
लिंक केबल के थ्रू कनेक्टेड कर रखा है अपने दोनों को, तो उस कंडीशन में आप सेम आईपी एड्रेस दो डिवाइस पे नहीं दे सकते। पर अगर दो अलग अलग डायग्राम है, दो अलग अलग आपका स्ट्रक्चर है, उस कंडीशन में आप सेम आईपी एड्रेस दोनों जगह कर सकते हैं यूज। ठीक है, आ गया समझ में, ये हो गया आपका। तो कंप्यूटर पे नाम तो दे दिया अपन ने, फटाफट इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी दे देते हैं अपन। ये आ गया अपना, इस पे दे देते हैं फटाफट अपन 192.168.1.102। टैब कर रहा हूं मैं, ये ऑटोमेटिक सबनेट मास्क कर रहा है ना, ये टैब मारते आ जाता है। ये क्लास सी का एड्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं क्लास बी का डालूंगा तो क्लास बी का अपने आप ले लेगा वो। ये डायग्राम ड्रॉ करना और ना डायग्राम के ऊपर नेमिंग वगैरह देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब बड़े नेटवर्क को आप डील करें, क्योंकि कुछ नेटवर्क होते हैं जिनको अपन को दो दो घंटे लगते हैं बनाने के अंदर, और उसमें अगर नेटवर्क के अंदर कुछ इशू आ गया तो उसको ट्रबल शूटिंग करने में, जैसे कोई नेटवर्क आपने बनाया उसको आपको एक घंटा लग रहा है बनाने में, ट्रबल शूटिंग करने में दो घंटे लग जाते हैं उसके, लेकिन इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसलिए स्टार्टिंग से आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्विच वन स्विच टू, ठीक है ना, स्विच वन स्विच टू आ रहा है। अब मैं सिस्को की डिवाइस पे काम करने वाला हूँ। अभी तक मेरा यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन हो गए, और अगर आप पिंग करेंगे तो सब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिखा भी देता हूँ मैं एक बार। इस स्विच के 192.168.1.101 को वो दूसरे स्विच के 192.168.1.104 पे चेक करता हूँ कनेक्टिविटी करके। पिंग 192.168.1.104 दिख रहा है आपको, रिप्लाई आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। सेंट 4, रिसीव्ड 4, तो मतलब लॉस कुछ नहीं हुआ है और चले गए पैकेट अपने, ठीक बात है। अब क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है गाइस, ठीक है ना। तो वन बाय वन ये लिखते चलूंगा मैं, और अपन को करते करते चलना है। तो इधर नोट्स बना लेता हूँ मैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ मैं। सो पहला काम जो होता है ना वो क्या होता है कि इनके कंप्यूटर इनके सारे स्विचेस को नाम देना, जिसे हम बोलते हैं होस्ट नेम देना, ठीक है। गाइस बता दूं मैं, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो इस टॉपिक से बाहर के हैं वो मैं थोड़ा टाइम बाद लूंगा मैं, ठीक है ना, मतलब एंड ऑफ द क्लास लूंगा। और जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ तो मैं लेता जा रहा हूँ। भाई दादू मैं हैक वंडर ने क्वेश्चन पूछा है कि ना स्विच कनेक्ट होने में टाइम क्यों ले रहा है, जबकि कंप्यूटर तो कंप्यूटर में तो स्टार्टिंग में ही ग्रीन रहता है। दादू मैं आपको कि जब स्विच और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लेगा, वो प्रोसेसिंग होता है, जैसे आपने वाईफाई का डाला पासवर्ड तो हैंडल थोड़ी ना कनेक्ट हो जाता है, दिखा था ना कनेक्टिंग में प्रोसेस चलता है बीच में, तो वैसे ही यहाँ पे भी जब आपकी कोई भी आईपी एड्रेस डालेंगे कोई सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट होने में टाइम लेता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आ गया अपना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में देना है होस्ट नेम। होस्ट नेम बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर आप अपने स्विच का नाम होता है, दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारा कुछ कुछ बना हुआ आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे अपना विंडोज लोड होता है ना तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है ना, पिछली वीडियो में जाके देख लेना, ये सब मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एंटर मारता हूँ मैं, तो अब जो मैं हूँ वो हूँ सबसे पहला बेसिक मोड जो होता है वो होता है यूजर एग्जिट मोड। पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसको, अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो भी जाके जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे मोड्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अभी जो बेसिक मोड होता है ना वो होता है हमारा ये वाला मोड, यूजर एग्जिट मोड, ठीक है ना। यूजर एग्जिट मोड जो है ना वो किस नजर आएगा आपको, जहां पे आपको ग्रिड देना साइन आएगा, यहां दिख रहा है ना ग्रिड देना साइन। तो अगर आपको अपने टर्मिनल के अंदर ग्रिड देना साइन नजर आ रहा है सिस्को के स्विच को ओपन करने के बाद, समझ जाओ कौन से मोड में है, यूजर एग्जिट मोड। ये लेवल वन का आपका वो होता है मोड होता है, ठीक है। यहां पे जाके आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है भूल गया मैं, ठीक है। तो यहां जाके आपको टाइप करना है EN कर लेते हैं एक बार, या शो प्रिवी, शो प्रिविलेज, ठीक है ना। सबसे पहला काम है आप ये चेक करें कि मैं कौन से प्रिविलेज लेवल पे हूं। एंटर मारता हूं, तो करंट प्रिविलेज लेवल जो है ना आपका वो 1 है,
वन सबसे लीस्ट प्रिविलेज होता है, मतलब इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाओगे आप, सिर्फ कुछ कॉन्फ़िगरेशन व्यू करना है वो पॉसिबल है, ठीक है ना, आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रिविलेज लेवल वन जो है सबसे लीस्ट होता है, और हाईएस्ट प्रिविलेज होता है ना 15 होता है वो, ठीक है ना। तो शो प्रीव्यू हमारा पहला कमांड होता है, ठीक है ना, टैब मार दोगे अपना आप ले लेगा। इसको बनाया गया है हमारे हिसाब से कि अगर इनके साथ पूरा कमांड भी टाइप ना कर पाओ तो शॉर्ट फॉर्म टाइप करो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। पूरा कमांड होता है शो प्रिविलेज, ठीक है ना, और अपन ने प्रीवी छोटा ना प्यार से बोलते हैं उसका, है ना, हर नाम का एक छोटा नाम होता है तो अपना भी, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी ना भाई, याद करने में जान निकल जाएगी, तो इसलिए शो प्रीवी लिखोगे, एंटर मार दो, चल जाएगा। लेवल वन के ऊपर अभी हम हैं, ठीक है। अब मैं, अगर मुझे नेक्स्ट मोड में जाना है तो EN करना पड़ेगा, EN होता है इनेबल। इनेबल बेसिकली क्या करता है, इनेबल करके मैं नेक्स्ट मोड में आ सकता हूँ जहाँ पे मैं और कुछ डिटेल चेक कर पाऊंगा। अब आपका एक क्वेश्चन था भाई, तो बड़ा अनसिक्योर है ना, मतलब सीधे कोई केबल कनेक्ट करे, घुस जाए डिवाइस के अंदर और फिर कॉन्फ़िगरेशन कर सके, तो अगर मान लो किसी ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और कोई बंदा अननोन घुस गया नेटवर्क में तो साइड डिवाइस एक्सेस कर लेगा, बिल्कुल हाँ, ये अनसिक्योर तरीका है। इसके अंदर लगते हैं पासवर्ड, आपके स्टार्टिंग में लगेंगे पासवर्ड, उसके बाद आप इसके ऊपर वाले मोड जो है ना उसमें जाने के लिए लगेगा पासवर्ड, वो सब लगाएंगे अभी अपन क्लास में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो मैंने इनेबल करा, इनेबल हम करते क्यों है, अगर आपको ये जाना है तो सर इनेबल आपको कैसे पता कि इनेबल करना है और इससे होता क्या है, तो उसके लिए कुछ मत करो, जब आपका ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ रहा है वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो, एक बार क्वेश्चन मार्क टाइप करते दिख रहा है, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क टाइप करा तो यहाँ पे मेरे सामने आ गया है। इवन आप पिंग करना चाहो ना तो आप विंडोज मतलब कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने की जगह आप एक स्विच से दूसरे स्विच को भी आप पिंग कर सकते हैं आराम से इसी के अंदर टाइप करके, ठीक है। अब यहाँ पे टेलनेट भी आप चेक कर सकते हैं, टेलनेट कनेक्शन भी ले सकते हैं अपन। शो बेसिकली किस लिए आता है, शो रनिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम शो करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे करा ना शो प्रिविलेज, तो प्रिविलेज दिखाने के लिए मैंने करा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं जो करने वाला हूँ वो यहाँ क्या करने वाला हूँ, इनेबल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ओपन अ टर्मिनल कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिसेबल टर्न ऑफ प्रिविलेज कनेक्ट कमांड्स, प्रिविलेज कमांड को अगर टर्न ऑफ करना है तो डिसेबल कर दो, पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इनेबल करने वाला हूँ। टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड, टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड का मतलब क्या होता है कि मैं दूसरे मोड में जाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं अंदर जाके काफ़ी और सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाऊँ, ठीक है ना। इस स्विच के अंदर लेवल वाइज पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक लेवल पे कम ऑप्शन, सेकंड लेवल पे ज़्यादा ऑप्शन, उसके थर्ड लेवल पे और ज़्यादा ऑप्शन, और थर्ड लेवल के बाद जाके आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो मैं EN करने वाला हूँ, इनेबल, ठीक है, एंटर मारूंगा। अब दिख रहा है मेरा मोड जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड, जो सेकेंड मोड होता है हमारे सिस्को का, ये वाला। स्पेलिंग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सही कर लेते हैं अपन, स्पेलिंग यही मोड होगा, प्रिविलेज एग्जिट मोड दे रखा है हमारा, ठीक है ना। जब जब आपका हैश साइन आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि बॉस मैं कौन से मोड में आ गया, प्रिविलेज एग्जिट मोड में, ठीक है। इसके लिए आपको यहां पर टाइप करना पड़ेगा, स्मॉल करो तब भी चलेगा, इनेबल, ठीक है, ये कर दिया अपन ने, सेट कर दिया सेकंड नंबर पे, इनेबल कर लेना अपन को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है अपन को क्या करना है, होस्ट नेम देना है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो अपन सर मुझे होस्ट नेम देना है, तो क्या होस्ट नेम कमांड इस वाले इसके अंदर है, मतलब जिस मोड में मैं हूँ उसमें क्या वो कमांड है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो, देख लो यहाँ पे, अब दिख रहे कितने सारे कमांड आ गए, ये सारे कमांड्स आ चुके हैं, ज़्यादा कमांड है आपके पास, दिख रहा है यहाँ पे कहीं होस्ट नेम है, एक बार चेक कर लें अपन, सब अल्फाबेट सीक्वेंस में रहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं है हमारे पास होस्ट नेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस वाले मोड में हमारे पास होस्ट नेम नहीं, तो अपन को क्या करना है, कॉन्फ़िग टी करके अपन को नेक्स्ट ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना, जहाँ पे अपन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरा जो कमांड होने वाला है वो होने वाला है हैश कॉन्फिटी, कॉन्फिटी मतलब फुल फॉर्म होता है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्फिटी मारा, एंटर मार दिया।
ठीक है। तो अच्छा, अगर वापस से अगर आपको बैक साइड में जाना है, जैसे मुझे वापस से रिटर्न साइड में जाना है, पीछे वाले मोड में आना है, तो एग्जिट लिख दो, EXIT आ गया, दो बार एंटर मारोगे एग्जिट हो गया, फिर एग्जिट आ गया वापस से, एक और कमांड हो गया। एग्जिट ठीक है, ये भी कमांड ट्राई कर सकते हैं आप बैक आने के लिए। परफेक्ट, वापिस अब मैं जाता हूँ EN config t। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, होस्ट नेम। अब मुझे अगर मुझे ये चेक करना है कि ना मेरे इस पर्टिकुलर मोड में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं क्या टाइप करूँगा, थोड़ा डालो चैट बॉक्स के अंदर गाइस, फटाफट एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो मुझे, कि अगर इन केस मुझे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर मोड में कितने ऑप्शंस इनेबल हैं, तो मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, फास्ट गाइस फास्ट। एक सेकेंड है, मेरा स्ट्रीम जो अटक गया था मेरे यहां से, ठीक है ना, अभी मैं चेक कर लेता हूँ लाइव स्ट्रीम के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्रिस्पी ने बहुत पहला आंसर दिया था, रॉकी ने उसके बाद आंसर दिया, बहुत बढ़िया, हैक वंडर ने आंसर दिया, मिस्टर रोबोट ने आंसर दिया, उसके बाद हैक वंडर ने, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेफिनेटली थैंक यू सो मच ब्रदर, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि मुझे क्वेश्चन मार्क टाइप करना है, क्वेश्चन मार्क जब मैंने टाइप करा तो यहाँ पे मेरे सारे क्वेश्चन सारे सारे मेरे आगे जितने भी मेरे ऑप्शन हैं अवेलेबल हैं। अब दिख रहा होगा आपको पिछले मोड से बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या होस्ट नेम है, बिल्कुल है इसमें, देखिए आप जब आते हैं नीचे तो यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, सेट सिस्टम नेटवर्क नेम, तो सिस्टम का नेटवर्क का नाम, क्योंकि नेटवर्क में किस नाम से जाना जाएगा ये, तो उसका नाम सेट करना है। तो अब करना क्या है, कमांड टाइप कैसे करना है, ये होस्ट नेम ले लेना है अपन को, तो अपन को टाइप करना है यहाँ पे होस्ट नेम, अभी वो क्या लिखा हुआ आ रहा है स्विच, ठीक है। अब मैं टाइप करूंगा होस्ट नेम स्पेस, देखिए अब मुझे नहीं पता मैं भूल गया, लेट सपोज मैं कमांड कि यार भाई होस्ट नेम के बाद टाइप क्या करना था, मैं तो भूल ही गया, तो स्पेस देखिए फिर क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो, तो अब क्या बोल रहा है ये वर्ड, वर्ड मतलब दिस सिस्टम नेटवर्क नेम, तो सिस्टम के नेटवर्क का नाम टाइप करो गधो, क्या हो गया, अब होस्ट नेम स्पेस टाइप करो, उसका नाम जो टाइप करो, तो मैंने करा SWITCA switch 1, जो उसका नाम था वही अपने डाल दिया इसके अंदर, एंटर मार देता हूं मैं अब, तो देखो अब आपका स्विच का नाम जो है चेंज हो गया, दिख रहा है स्विच वन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, एक सेकेंड, कॉन्फिग होस्ट नेम स्विच वन, अब अपने अपना नाम डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अनोनमस भाई अभी मैं क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगा जो आप अभी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वेट कर लें, आप सेशन खत्म होएगा फिर जाके आंसर दूंगा, अभी नेटवर्किंग क्लास चल रही है तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन के आंसर दूंगा सारे सारे अभी, ठीक है। तो ये मेरा आ गया होस्ट नेम, मैंने डाल दिया स्विच वन, ठीक बात है, तो ये मेरा एक हो गया मेरा कमांड। अब उसके बाद मुझे और क्या करना है, ऐसे ही मुझे दूसरे में जाके भी उसका होस्ट नेम चेंज कर देना, सेम वही तरीका, टू में जाऊंगा, CLI ओपन करूंगा, बड़ा करूंगा इसको साइज को, और फिर एंटर मार दूंगा, EN करता हूं, कॉन्फिग टी, उसके बाद फिर टाइप करना मुझे होस्ट नेम और फिर स्विच टू, अंडरस्टूड, सॉरी अच्छा स्पेस नहीं देना मुझे, ये हो गया स्विच टू मेरा हो गया, दोनों में ये चीज हो चुकी है, एक बार देख लो आप स्विच वन स्विच टू, ठीक है। तो बेसिक नाम तो मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, दोनों के अंदर, तो मेरा बेसिक हो गया। अब उसके बाद मैंने ये बोला कि तपन सर अगर मान लो लेट सपोज कोई बंदा मेरे स्विच में एंटर कर रहा है,
ठीक है एग्जिट मारता हूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आऊँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे नजर आएगा ना आपका जब स्विच स्टार्ट होगा तो कैसे नजर आएगा, एंटर मारता हूँ मैं ऐसे। तो आपने बोला तपन सर जब कोई बंदा मेरे स्विच में लॉग इन करने की कोशिश करेगा, और अगर मान लो इनकेस ये स्विच जो है ना ये मेरा सेंसिटिव एरिया, लेट सपोज कि डेटा सेंटर का है मेरा वो, या फिर कोई ऐसे सर्वर का है जहाँ पे बहुत क्रिटिकल डेटा रखा गया है, तो मैं कैसे वार्निंग दूँ किसी भी यूज़र को कि बॉस तुम जिस स्विच में लॉग इन करने वाले हो या फिर जिस स्विच को एक्सेस करने वाले हो वो एक सेंसिटिव स्विच है और ये पर्टिकुलर डेटाबेस डेटा सेंटर का स्विच है, अगर मुझे ऐसा कोई बैनर डिस्प्ले करना है स्टार्टिंग में, कोई एक मैसेज डिस्प्ले करना है तो कैसे करूँगा मैं उसको, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, रॉयल गेमिंग थैंक यू सो मच आने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को एक मैसेज सेट करना है MOTD करके, बैनर करके एक बैनर बनाना है अपन को। तो बैनर कैसे बनाना है अपन को, पहले अपन को जाना है EN करके इनेबल मोड में। अब इसके बाद कौन सा कमांड टाइप करूंगा मैं नेक्स्ट मोड में आने के लिए, फास्ट गाइस कमेंट में डालो फटाफट मुझे एक बार, फास्ट नेक्स्ट मोड में आने के लिए मैं कौन सा कमांड टाइप करूंगा, फास्ट गाइस नेक्स्ट मोड में आने के लिए मैं कौन सा कमांड टाइप करूंगा। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ना प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया अपने अपने स्टेटस के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो, वेरी गुड। कॉन्फिग स्पेलिंग गलत है यहाँ पे हैक वंडर, CONFIGE नहीं आता, CONFIG आता है बस, CONFIGT। तो मैं टाइप करूंगा CONFIGT और उसके बाद अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे करना है एक बैनर सेट करना है, तो बैनर अब मैं बोला कि तपन भाई की शायद मुझे बैनर का मुझे लग नहीं रहा कि शायद बैनर वाला कोई कमांड है भी या नहीं, तो मैंने BANN टाइप करा और क्वेश्चन मार्क डाल दिया बिना स्पेस डाले, तो देखो इसने दे दिया कि भाई बैनर का है कमांड, टेंशन मत ले तू काम करने पे ध्यान दे अपने, ठीक है। तो मैंने टाइप करा BANNER बैनर टाइप करा, बैनर टाइप करना है बोला कि यार भाई बैनर तो लिख दिया, अब इसके आगे लिखना है भूल गया कमांड, क्योंकि भुलक्कड़ बहुत होते हैं और कमांड इतने भाई काले लिनक्स में इतने कमांड हर जगह कमांड ही कमांड, तो दिमाग चौक हो जाता है, कमांड याद नहीं रह पाता। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, अगर आपको ये चेक करना है कि बैनर के बाद मुझे क्या कमांड टाइप करना है, तो क्वेश्चन मार्क स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगा दो, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लगा दो, दे दिया इसने MOTD जिसे हम बोलते हैं मैसेज ऑफ द डे, ठीक है ना। ये ग्रेटिंग हो सकता है, ग्रेटिंग मतलब कि जैसे ना कोई भी नया कोड अगर आप डालना चाह रहे हैं कि जब भी कोई यूजर लॉग इन करे मेरे स्विच में स्टार्टिंग में कोड नजर आए या फिर कोई मैसेज नजर आए तो उस चीज के लिए हम सेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइप करा MOTD मैंने टाइप करा, उसके बाद फिर मुझे देना पड़ता है डीलिमिटिंग कैरेक्टर, स्पेस दे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं मैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि लाइन, आपको लाइन टाइप करनी सी बैनर टेक्स्ट सी वेयर सी इज अ डीलिमिटिंग कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में समझाता हूं मैं आपको कि बॉस MOTD के बाद आप ऐसा कोई सा भी कैरेक्टर सिंबल टाइप करो जो आपके पूरे मैसेज के अंदर नहीं होना चाहिए, जो डिफाइन करेगा कि अब मैं आपका मैसेज शुरुआत कर रहा हूं और जब आपने सेम कैरेक्टर को वापस से रिपीट करा पूरे मैसेज के एंड में तो वहीं पे उसका मैसेज को बंद कर देगा। सो बेसिकली एक टर्मिनल को कैसे पता कि आप कब आप अपना बैनर जो आप लिखना है आपको स्टार्टिंग में वो आप टाइप करना शुरू कर रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टर जो भी आप टाइप करोगे ना, अभी पहला कैरेक्टर जो भी डालूंगा ना मैं, उसके बाद से जब मैं एंटर मारूंगा उसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो सब मेरे मैसेज में आएगा, और जब वही सेम कैरेक्टर मैं लास्ट मैसेज के एंड में वापस से रिपीट करूंगा ना मैं और एंटर मारूंगा तो वो मैसेज को मेरे क्लोज कर देगा। अगर मैंने मैसेज के दौरान ही अगर उस कैरेक्टर को मैंने रिपीट कर दिया तो वहीं पर क्लोज कर देगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंड साइन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, मतलब जो आपके कीबोर्ड में नजर आ रहा है ना उसमें कुछ भी ले लो चलेगा। मैंने एंड का साइन का यूज़ करा, एंटर मारता हूँ मैं, अब दे दिया एंटर टेक्स्ट मैसेज। अब इसने बोला कि एंड साइन जो है आपका वो कि ना एंड साइन डालने के बाद अब अपना मैसेज को आप टाइप करना शुरू करें। अब जैसे ही अगर आपको मैसेज अपना एंड करना हो तो फिर वापस आप एंड साइन का यूज़ कर लो, ठीक है ना। यही होता है, दोनों जगह यूज़ करना है, स्टार्टिंग में भी यूज़ करना और लास्ट में भी सेम इसको कैरेक्टर को यूज़ करना, सिंबल का यूज़ करना। अगर आपने बीच में मैसेज के दौरान ही आपने एंड यूज़ कर लिया और एंटर मार दिया तो वहीं पर मैसेज रुक जाएगा, ठीक है। तब मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ऐसे आना चाहिए बिल्कुल, ज़्यादा लंबा नहीं करता, थोड़ा बीच में लेकर आते हैं। वेलकम टू हैकर व्लॉग नेटवर्क, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना, और शेयर करो, ठीक है। ये हो गया अपना, अब मैंने करा एक यहाँ पे एक लाइन बना दी,
ठीक है, ये मेरा मैसेज हो गया, मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है ना। वेलकम टू हैकर व्लॉग नेटवर्क, और सब्सक्राइब करो और शेयर करना भूलना मत, ये आपके लिए भी, और वीडियो को लाइक करना और मत भूलना, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे मैसेज को एंड करना है, तो भाई अब मैसेज को एंड करना है तो मैंने दो एक एंडर मार दिया, और लगे यार ये तो बाहर निकल ही नहीं रहा, मतलब ये मैसेज ही लिया जा रहा है उसको, तो मुझे एंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से एंड जो मेरा था सिंबल वो वापस से मैं टाइप करूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको टाइप करा था एमओटी के बाद, अब मैंने पूरे मैसेज में इसको मैंने टाइप नहीं करा, क्योंकि जैसे मैं टाइप करा तो मेरा मैसेज एंड हो जाता, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में जाके वापस से टाइप कर दिया। जब मैं टाइप करा, अब जो देखो मैं एंटर मारूंगा, अपने आप मुझे बाहर लेकर आ गया, समझ में आ गया डीलिमिटिंग कैरेक्टर का मतलब, कि ऐसा करेक्टर, अब ये करेक्टर होता है आपका, सिंबल होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना, पर वो आपके मैसेज के दौरान आप यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे एग्जिट मारता हूँ, मैं एग्जिट मारता हूँ, ये देखो आप देख रहे हैं आपको कितना बढ़िया लग रहा है अब, ठीक है ना। जैसे आपने एग्जिट मार के स्टार्टिंग करा तो लिखा आ गया वेलकम टू हैकर ब्लॉग नेटवर्क, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और मजे लो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, जो लोग मेरे साथ में 1-to-1 कोर्स करना चाह रहे हैं, तो भाई मैंने फॉर्म दिया हुआ है, चैट बॉक्स में जाके भर सकते हैं। इवन अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप ओवर जो मैंने फॉर्म दिया हुआ है भर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपने ये कर लिया, अब यही चीज़ मुझे कहाँ सेट करनी है, दूसरे वाले में भी, ये हैकर ब्लॉक का नेटवर्क हो गया, ये हो सकता है कि ASD एकेडमी का नेटवर्क हो, सेम काम यहाँ पे करना है मुझे, एग्जिट सॉरी मुझे वापस जाना था उसी के अंदर, ENConfig-T मुझे जाना है, उसी मोड में जाना है वापस से, और मुझे टाइप करना है बैनर MOTD और फिर एंड। अब देखो मैं कुछ और ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने ले लिया डॉलर, पैसा खूब है ना लोगों के पास, एंटर करता हूँ, अब डॉलर मेरा साइन बन गया डीलिमिटिंग कैरेक्टर, मुझे वो यूज़ नहीं करना पूरे मैसेज के दौरान, मैंने सर डाल दिया, ठीक है ना, वेलकम टू स्विच टू नेटवर्क, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, सब कर दो, ठीक है, सेट होना चाहिए बिल्कुल बीचों बीच, चलो बहुत बढ़िया शानदार। सर्टिफिकेट चाहिए तो hackerblog.in पे जाके रजिस्टर करो, ये आ गया, सर्टिफिकेट चाहिए तो hackerblog.in पर रजिस्टर करो, ठीक है। ये हमारा पूरा मैसेज हो गया जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो चाहिए तो कर लेना एक बार। अब मुझे क्या करना है, वापिस से डॉलर साइन यूज करना है और एंटर मार देना है, ठीक है। एग्जिट मारता हूँ आ गया, वेलकम टू स्विच टू नेटवर्क, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सर्टिफिकेट चाहिए तो hackerblog.in के ऊपर रजिस्टर करो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको, इस तरीके से आप पूरा ये मैसेज जो है ना वो डाल सकते हैं, बना सकते हैं पूरा इसके अंदर। तो भाई ये अपन ने मैसेज बनाना सीख लिया, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। अब क्या है, अपना तो अपन सा ठीक है, लाइन वाइन तो बना लिया अपन ने, पर क्या कि ये सिक्योर तरीका नहीं है बॉस, लॉगिन कुछ तो कराओ सर, सिस्को अपन यूज़ कर रहे हैं और फिर आप ऐसे ही कुछ भी करवा रहे हो क्या। तो अब क्या करने वाले हैं, अपन लॉगिन सेट करने वाले हैं, मतलब मेन जो लॉगिन होता है ना, जैसे ही आप डिवाइस को ओपन करोगे कंसोल केबल लगा के, या फिर पर्टिकुलर आप टेलनेट के थ्रू लॉगिन आप है ना एक्सेस करना चाहोगे, उसके लिए आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले अपन स्टार्टिंग में ही लॉगिन क्रिएट करना है कंसोल के ऊपर, तो उसके लिए करना क्या अपन को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अब जो लॉगिन वाला काम है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपन को ग्लोबल कॉन्फिग मोड के आगे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, ENConfig-T जो हमारा होता है बाय डिफॉल्ट। अब क्या है यहाँ पे, लाइन कौन मतलब होता है लाइन, लाइन बेसिकली एक मोड है, जैसे ग्लोबल कॉन्फिग मोड होता है ना, वैसे ही लाइन भी एक मोड है, जिसका काम क्या होता है कि ना पासवर्ड सेट करना आपकी डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना। लाइन मोड का हम बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे
पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए। टेलनेट का भी हम लोग लाइन मोड के थ्रू ही जाएंगे सेट करने के लिए पासवर्ड, और अभी कंसोल पे लगाना है पासवर्ड हमें, ठीक है ना, तो वो भी हम इस पे करने वाले। कंसोल का पासवर्ड मतलब कि लॉगिन स्टार्टिंग में जो पासवर्ड आता है ना वो हमारा कंसोल पासवर्ड होता है, ठीक है ना, कंसोल स्टार्टिंग वाला जो पासवर्ड होता है वही। अब लाइन के बाद अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं, अब मैं भूल गया, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं भूल गया तपन भाई, मैं भूल गया कमांड्स, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करता हूं, भूल गया तो लाइन करके स्पेस एक क्वेश्चन मार्क टाइप कर दो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि लाइन फर्स्ट लाइन नंबर डाल दो, या फिर आप कंसोल प्राइमरी टर्मिनल लाइन, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग वाला जो होता है ना पहला टर्मिनल लाइन जो होता है उसके लिए, या फिर VTY जो है ना ये टेलनेट के काम आएगा आपको, जब आप टेलनेट क्रिएट करेंगे ना सिस्को की स्विच को मुझे एक्सेस करना है रिमोटली टेलनेट के थ्रू, तो मैं VTY का यूज़ करूंगा, ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब करेंगे तो बताऊंगा मैं। अभी मैं करने वाला कंसोल पे काम करने वाला हूं, तो कंसोल जो है वो है आपका, तो अपन को यहां पे टाइप करना है CON, कौन भाई शॉर्ट फॉर्म कौन, और स्पेस देके अब यहाँ पूछ रहा है किसके लिए करना है, ठीक है ना। तो अब देखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन नंबर जीरो ही है बॉस, एक 0-0 मतलब कि एक ही ऑप्शन अपने अवेलेबल है, कंसोल एक ही तो है ना, तो इसलिए उसने क्या बोला कि आपके पास कौन जीरो का ही ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो अब मुझे करना है, मुझे कौन जीरो टाइप कर देना, उसके फिर स्पेस एक क्वेश्चन मार्क टाइप करता तो बोला CR, तो अब आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जितना था हो गया, आप एंटर मार के सेट भी कर ले भाई, ठीक है ना। तो अब मुझे मेरा कमांड हो गया लाइन कौन जीरो, एक बार मैसेज MOTD स्विच नेम तो कर दिया मैंने, यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ मैं, config ये, उसके अलावा बैनर MOTD और डीलिमिटिंग कैरेक्टर, ठीक है, ला 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 ना 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 ना, ठीक है चलेगा बॉस, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया अपन ने। अब क्या करने वाले अपन, लाइन कौन जीरो वाला कर रहे हैं ना अपन, तो इसको मैं यहां कर देता हूं, ये लाइन वाला कमांड है config-line लिखा होगा, config-line एक सेकेंड थोड़ा सा, अरे रुक जा गुरु, इतना फास्ट कहाँ चलेगा, टर्मिनल ओपन कर दे, दो मिनट रुक जा, पूरा ही बंद हो गया ये तो, सिस्को पैकेट ट्रेसर वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, देखा पूरी मेहनत खराब हो जाती है बीच में लाइव सेशन के अंदर, अभी मुझसे लॉगिन आउट करवाएगा, चेक कर लेता हूँ कराता नहीं कराता, कराएगा तो मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, फिर वापस से स्टार्ट करूँगा मैं, आ गया ना, देखो ये लॉगिन आता है हमेशा, पूरी मेहनत खराब जाती है 2 मिनट में, बंद कर देगा ये, ठीक है ना, ये अच्छा काम है इसका, रुक जा थोड़ा सा, मुझे एक थोड़ा सा ट्रबल शूट करने दो, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब इस चक्कर में ना लाइव स्ट्रीम के अंदर ना काफी सारी चीजें ना दिक्कत करती है, एप्स एंड फीचर्स, सिस्को पैकेट ट्रेसर, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, तुम भी पानी वानी पी लो, जब तक मैं अपना दर्द बांट लेता हूँ, ठीक है ना, बना तो दूंगा, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा बनाने में, बस मेन का स्टार्ट होने का टाइम लेगा जब लेगा वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं,
रुको फायर वॉल पर देख लेते हैं, अगर कुछ हो जाए तो, वरना फिर मुझे एक बार उसको रोक के वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको उसके लिए। और वायरस के अंदर एक बार बस वो ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं एक बार वापस से कर देखते हैं ना। इसको राम फाइल्स आदि यकीन तो हम इधर ही कर लेंगे अब। कहाँ गलत ढूंढ रहा था मैं, ये आप भी कर सकते हैं ब्लॉक करने के लिए एक्सेस इसका। मिलेगा कहाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, सबका एक रामबाण कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भाई ने, वही करना पड़ेगा। चेक करके बताना एक बार प्रॉपरली, अभी आ रहा है नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। हाँ बस, अरे अपने पास सारे हैक अवेलेबल है, दो मिनट के लिए अपने नेट बंद कर दिया और फिर वापस चालू कर लिया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ जो मैंने बनाया था वापस से, ठीक है ना। ये बहुत कम टाइम लगेगा, पर थोड़ा चुपचाप बैठे रहना, मतलब बैठे तो चुपचाप ही बैठे रहोगे, ठीक है ना। फटाफट इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार, कमांड्स मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। कमांड्स पिछला वीडियो देख लेना एक बार, बस थोड़ा सा बैक करके, पर फटाफट में एक बार जो कंप्यूटर्स मुझे जोड़ने हैं फटाफट जोड़ लेता हूँ मैं। अब देखो इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, जैसे बता रहा हूँ ना आपको, जब प्रैक्टिस करते करते आप है ना इतनी स्पीड आप गेन कर लोगे कि आप कोई भी नेटवर्क को थोड़ी देर में बना दोगे। एक दो, जिस चीज़ को अपन करने में बहुत टाइम लगाना देना, कितनी जल्दी कर लेते हैं अपन, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का होगा वो हार्डली। हाँ भाई तो या 192.168.1.101, ठीक है 102, 103, 104, ठीक है। आई पी एड्रेस देना है फटाफट इसको, अब डेस्कटॉप पे जाओ, आई पी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पे जाके 100, यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 102, यहाँ पे जाओ, देख रहे ना ये स्पीड आपको मेंटेन करनी है। और ये कब होगा, जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो। 2, 3 हो गया ना, ये हो गया। अब सेम आपको देखना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपको इसी स्पीड से करना है। ये मैं वापस से पीछे वाला काम कर रहा हूँ भाई जो नहीं हो पाया था। अच्छा मैंने 3 मैंने दे दिया ऑलरेडी। हाँ ठीक है, देखा ना अगर आप कोई ऐसा आईपी एड्रेस रिपीट करना चाहोगे तो वो रिपीट नहीं करने देगा, बोला ऑलरेडी यूज़ हो गया, ठीक है ना। ये आ गया, अब यहाँ जाके सीएलआई के अंदर पहले क्या करना है, दो तीन काम बोले थे अपन ने करने के लिए। en config config t फटाफट मेरे साथ कमांड जो है ना वो डाल चलना चैट बॉक्स में, कौन से कमांड मुझे यूज़ करने हैं, ठीक है ना।
तो कॉन्फिग ट्री डाल दिया अपन ने, कॉन्फिग ट्री डालने के फिर क्या करना अपन को नेक्स्ट इसके बाद क्या कौन सा कमांड होना चाहिए होस्ट नेम सेट करने के लिए, होस्ट नेम स्विच वन, उसके बाद सॉरी स्विच विदाउट स्पेस वन, सारे कमांड्स चैटबॉक्स में डालते चलना कौन से कमांड्स अपन को यूज़ करने हैं। होस्ट नेम सेट कर दिया अपन को, बैनर सेट करना है बैनर एम ओ टी डी एम ओ टी डी, उसके बाद फिर डीलिमिटिंग कैरेक्टर एंड लिया था अपन ने या कुछ भी ले सकते हो आपकी आपकी मर्जी के हिसाब से, और फिर यहाँ पे स्टार थोड़ा अच्छा लगता है, वेलकम टू स्विच वन नेटवर्क लाइक करो शेयर करो, बोले सर डालना है क्या ये भी लिखना है क्या अपन को हमारे स्विस्को के अंदर, ये तो मैं लिख रहा हूँ भाई तुम्हारा लिखना है, फिर ये एंड एंटर मार दिया ठीक है ये हो गया हमारा, फिर लाइन चल लाइन वाला तो अपन कर ही रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच टू के अंदर en config-t, जो लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन करा है बता दूं मैं आपको कि ये सब मैं काम में कर चुका हूँ, बस मेरा सिस्टम मतलब मेरा सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट हो गया चक्कर मुझे वापस करना पड़ रहा है, तो टेंशन मत लेना ये पिछला वीडियो में थोड़ा सा पीछे करके देख लेना पूरा मिल जाएगा कैसे मैंने क्या करा है एक्सप्लेन क्या करा है मैंने ठीक है। इसके अलावा होस्ट नेम स्विच स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी ठीक है, उसके बाद फिर अपना देना है बैनर एम ओ टी डी, और फिर एक और ले लेते हैं अपन इस बार मैं हैश ले लेता हूँ ठीक है ना, फिर बाद में गाइस कि ना आपको ये जो है ना ये जो मैं कमांड्स में करा रहा हूँ ये कमांड्स अगर आप मल्टीपल टाइम्स खुद ही रिपीट करोगे ना अलग अलग सिस्टम पे डाल डाल के तो फिर है ना आपको भी ये ना काफ़ी रट जाएंगे कमांड, रट इन द सेंस की समझ में आ जाएगा क्या करना है, तो फिर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आपको दिमाग में बैठ जाएंगे ये वेलकम टू स्विच टू नेटवर्क चाहिए तो व्लॉग डॉट इन करो, सर्टिफिकेट चाहिए तो हैकर व्लॉग डॉट इन पर रजिस्टर करो, मास्टर क्लास का माई नेटवर्किंग मास्टर क्लास का। इसके बाद भाई एक और मास्टर क्लास आने वाली है कालिनिक्स पे हम लेने वाले हैं मास्टर क्लास, और एक ना ओएसपी के कंटेंट पे हम लोग लेंगे मास्टर क्लास, 5-5 घंटे की दोनों रहने वाली है तो जाके जरूर ज्वाइन करना, और ठीक है हो गया इतना सा था भाई अपन ने इतनी देर में करा वो ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को अब नेक्स्ट वाला जो काम है वो देख लेते हैं एक बार, अब क्या करना है अपन को नेक्स्ट वाला अपन को कंसोल सेट कर रहे थे, कंसोल बेसिकली लॉगिन पे जो था ना एंटर पे, जैसे अभी एग्जिट मारता हूँ मैं इसको, एग्जिट मारता हूँ मैं इसको, अब ये दिखा रहा है ना आपको स्टार्टिंग में उसने बैनर डिस्प्ले कर दिया, बट बैनर के बाद आपके सामने वहाँ पे डायरेक्टली वो घुस गया उसके अंदर ना, तो आइडियली इसको यहाँ पे ना उसको पूछना चाहिए पासवर्ड की, भाई पासवर्ड डालो कैसे घुस गया डायरेक्टली अंदर, तो पासवर्ड सेट करने लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको मैं करता हूँ पहले जाता हूँ en config t, और लाइन वाला मोड जो है config t के अंदर मतलब कॉन्फिग्रेशन टर्मिनल के अंदर ग्लोबल config मोड के अंदर लाइन वाला मोड जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ठीक है ना, तो लाइन स्पेस अपन को करना है कॉन कंसोल, जिसे बोलते हैं कॉन को कंसोल बोलते हैं, और फिर जीरो क्योंकि एक ही है हमारे पास कंसोल, एंटर मारते हैं। अब यहाँ सेट करना, अब यहाँ पे क्या सेट करना है आपके पास, तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे अपन एक्सेस क्लास सेट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर करना है कनेक्शन बेस्ड ऑन द आई पी एक्सेस लिस्ट, मतलब कि कौन कौन से आई पी एड्रेस वाले ही इसको एक्सेस कर सकें वो सब चीज़ें कर सकते हैं अपन ठीक है, डिफॉल्ट दे रखा है, एग्जिट कर सकते हैं अपन, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं मॉडिफाई मैसेज लॉगिन फैसिलिटीज लॉगिन कर सकते हैं, मतलब अगर आप सेट कर दोगे पासवर्ड तो आपको दिखाऊंगा अभी, चलो मैं कर दिखाता हूँ अभी आपको ठीक है ना, बैनर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एंटर द डिस्प्ले ऑफ द एम ओ टी डी बैनर डिस्प्ले भी कर सकते हैं आप यहाँ पे ठीक है ना, नो नो भी कर सकते हैं, नो मतलब नेगेटिव कमांड है, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने और ये हो गया ठीक है। अब यहाँ करना है मुझे पासवर्ड सेट, पासवर्ड और पासवर्ड में डालने वाला हूँ, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड पासवर्ड लिखे अपन, तो ये पैरामीटर हो गया, पासवर्ड लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है इसका जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है, तो मैं कर रहा हूँ अभी सिस्को CISCO सिस्को मेरा पासवर्ड होने वाला है, तो मैंने क्या कमांड मेरा क्या बन गया पासवर्ड स्पेस सिस्को ठीक है, एंटर मार देता हूँ मैं ठीक है, एग्जिट मारता हूँ तो मेरा सेट हो चुका है पासवर्ड, अब मैं चेक करता हूँ एंटर मारा, अरे यार ये तो पासवर्ड सेट नहीं हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब आपने वहाँ पे डाल दो दिया पासवर्ड, पर वहाँ आपको उसको ये बताना पड़ता है मतलब सिस्को जो है ना
ढोल इंसान है पूरा, आप उसको बताना पड़ेगा कि बॉस इसको चेक करना है लॉगिन के ऊपर, मतलब लॉगिन भी करना है, जब तक आप वहाँ पे लॉगिन टाइप नहीं करोगे उससे पहले वो उसको चेक करने के लिए इनेबल नहीं करेगा। तो बेसिकली अब आपको वापस से जाना पड़ेगा मोड के अंदर, तो मैं जा रहा हूँ वापस से EN करके, फिर कॉन्फिटी दिख रहा ना आप, तो ये कॉन्फिटी EN ये सब कितना चलता है भाई, कॉन्फिटी लाइन कॉन जीरो कंसोल जीरो में आ गया, लाइन कंसोल स्पेस जीरो एंटर करता हूं मैं, और उसके बाद करना है फिर मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड टाइप करना पड़ेगा लॉगिन, इसका मतलब क्या होता है इनेबल पासवर्ड चेक इन, जब तक कि आप लॉगिन टाइप नहीं करोगे उससे पहले वो पासवर्ड चेक इन इनेबल ही नहीं करने वाला, आपने सेट कर दिया पर वो चेक नहीं करेगा उसको, सेट है उसके अंदर अगर आप देखने जाओगे ना कि भाई यहाँ पासवर्ड सेट है नहीं है, तो सेट तो है पर वो इनेबल नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो उसको करने के लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा सिंपल लॉगिन, ठीक है, एंटर मार देते हैं, अब करते हैं एग्जिट, अब करते हैं एग्जिट और वापस करते हैं एग्जिट, ये आ गया यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो यहां पे भाई आपसे क्या पूछ रहा है कि पासवर्ड डालो तब जाके आप अंदर एंटर कर पाओगे, वरना तो मैं घुसने भी नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में यहां पे डालना पड़ेगा आपको पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो दिखेगा नहीं जब आप टाइप करेंगे ना, तो ये हिडन रहता है, पहले बता दूं मैं आपको, एंटर मारूंगा घुस गया मैं, अगर मैं रॉन्ग डालता तो मेरे को एंटर नहीं करने दा, समझ में आ गया, सिंपल सा है लॉगिन पे पासवर्ड लगाना, सीधे जाओ लाइन स्पेस कॉन स्पेस जीरो, इसको मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। पहले अपन को क्या करना है, कौन से मोड में जाना है अपन को, कॉन्फिग वाले मोड में रहोगे आप, एस साइन फिर लाइन कॉन जीरो, ठीक है, और फिर क्या करना है अपन को, फिर आप कौन से मोड में चल जाओगे, फिर हाइफन लाइन मोड में चल जाओगे, वहाँ टाइप करना है अपन को, लाइन मोड में जाने के बाद अपन को टाइप करना है लाइन कौन जीरो हो गया, और फिर टाइप करना है वहाँ पे पासवर्ड, और सिस्को मैं डाल रहा हूँ, सिस्को मेरा पासवर्ड है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या करना है अपन को, फिर इसी के अंदर कॉन्फिग हाइफन लाइन, इसके अंदर अपन को टाइप क्या करना है, ये हो गया अपना, अब इसका फिर अपन को करना है लॉगिन, जब आप ये करेंगे सॉरी लॉगिन तब जाके आपका पासवर्ड जो है इनेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये यहाँ लिख दूँ मैं सेट पासवर्ड ऑन लॉगिन, ठीक है, समझ में आ गया, ये करना आ गया होगा मेरे सबसे, आया समझ में, फटाफट चैट बॉक्स में डाल देना मुझे एक बार कि समझ में आया कि नहीं आया। अपन भाई सोचो अगर बिना पासवर्ड सेट किए हुए ही अगर हम लॉगिन अनेबल करें तो क्या होगा ऐसे में, हाँ बिना लॉगिन करे तो डायरेक्टली फिर वो लॉगिन अप्लाई नहीं करेगा, अगर आपने वहाँ टाइप नहीं करा लॉगिन तो फिर वो क्या करेगा, पूछेगा नहीं वो पासवर्ड, डायरेक्टली आपको ओपन कर देगा, ठीक है ना, जब आप लॉगिन लिखेंगे कमांड में तब जाके ही वो पासवर्ड चेकिंग इनेबल करेगा, ठीक है। सर ये फोन वाले कैसे प्रैक्टिकल करके बताओ, भाई फोन के अंदर भी आता है, फोन में भी आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी चल जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया, ये सेट करना है पासवर्ड। अब दूसरा करना हमें एक और चीज, अब यहाँ पे जाके कर देता हूँ मैं वाला पासवर्ड सेट, यहाँ पे थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं, लाइन कॉन जीरो पासवर्ड सिस्को लॉग इन एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ठीक है, आ गया यूजर वेरिफिकेशन सिस्को। अब इसमें एक काम और अपन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइन कॉन जीरो, यहाँ पे क्या बोल रहा है बैनर, ठीक है ना, तो बैनर भी दे रखा है यहाँ पे MOTD बैनर, चेक कर लेते हैं एक बार, एग्जिट वही दिखा रहा, ठीक है, बैनर ही आ रहा है वो सिस्को, ठीक है। तो अब क्या है, ये अपन सेट हो गया, पर अब क्या है कि आपने बोला कि तपन सर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही बंदा नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, अगर मान लो अगर यूट्यूबर हैं आप, या मान लो आप दूसरा सोशल मीडिया कोई अकाउंट मैनेज करते हैं, तो उस कंडीशन आपने ये चीज़ चेक करी होगी, यार बॉस जब हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो वहाँ पे एक तो मेन लॉगिन अकाउंट होता है, उसके अलावा अदर यूजर भी उस सेम अकाउंट को एक्सेस करते हैं अलग अलग प्रिविलेज के साथ, है प्रिविलेज मतलब यहाँ पे दे रहा हूँ कि ना प्रिविलेज इन द सेंस कि अलग अलग परमिशन के साथ में,
तो अगर मान लो कोई ऐसी आपने बोला कि तपन सर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एक जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, दोनों दोनों लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है ना, और एक बंदा जो सीनियर है उसको परमिशन है चेंजेस करने की कॉन्फ़िगरेशन में, पर जो बंदा रिसेंटली लगा या फिर जो जूनियर लेवल का बंदा उसको मैं परमिशन नहीं दे रहा कुछ चेंजेस करने की। वो सिर्फ व्यू कर पाएगा मेरी इन्फॉर्मेशन, व्यू वो सारे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकता है पर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए अपन को? तो देखो, एक पासवर्ड अपन ने लगा दिया, अब जैसे ही अगर मैं खुद सीनियर हूँ तो मुझे मेरा भी ये वाला पासवर्ड है और जूनियर वाले के पास भी ये वाला पासवर्ड है, तो अगर हो सकता है कि उसको मैंने दे दिया पासवर्ड तो उसने चेक भी कर लिया कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो वो चेंज भी कर दे और जो शायद अलाउड ना हो। तो उस कंडीशन में कैसे मैं अलग अलग लेवल पे सेट करूँ पासवर्ड? तो यहाँ पे दो लेवल पे पासवर्ड सेट होता है, एक होता है एंट्री लेवल पे और एक होता है इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है ना ई एन वाला, इनेबल वाला, इस पे सेट होता है। ये दो लेवल होते हैं क्योंकि इनेबल के बाद फिर ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, फिर वहाँ पे आप चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक तो आपने लगा दिया लॉगिन पे, मेन घुसते ही लगा दिया, तो घुसते ही लगाने वाले लॉगिन को आप दे सकते हैं जूनियर वाले बंदे, भाई तू ले ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ तू व्यू कर पाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो चेंज नहीं कर पाएगा। इनेबल वाला पासवर्ड अपने पास रखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन सर ये इनेबल वाला पासवर्ड सेट कैसे करते हैं? ठीक है ना, तो उसके लिए कमांड क्या है? कॉन्फ़िग टीम में ऑब्वियसली बात है यार, मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मुझे कौन से मोड में आना पड़ेगा? फास्ट गाइस फास्ट, फटाफट गाइस एक बार चैट बॉक्स में डाल दो मुझे कि अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, कौन से मोड में जाना पड़ेगा, मुझे फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर, मुझे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो मुझे कौन से मोड में जाना पड़ेगा। एक बार यहां रख लेता हूँ फोन ताकि मैं देख भी पाऊँ। चलो यहीं रख लेते हैं, ये सही जगह है भाई, नज़र के सामने जिगर के पास, वेरी गुड। कॉन्फ़िग टीम में आना पड़ेगा, हैकर हैक वंडर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंटर मार दिया मैंने, अब इसमें जाके मुझे पासवर्ड इनेबल करना है इनेबल का, तो इनेबल कमांड टाइप करना अपन को, फिर स्पेस देके पासवर्ड इनेबल क्या करना है अपन को, पासवर्ड को इनेबल करना है, इनेबल पासवर्ड, इसके बाद जो भी आपका पासवर्ड आपको सेट करना है इनेबल के लॉगिन पे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको, कमांड जो है समझ में आ गया होगा आपको कि ना, जब आपको कॉन्फ़िग टीम में जाना है और पहले आपको टाइप करना इनेबल, मतलब कि इनेबल मोड पे आपको क्या लगाना है, पासवर्ड, तो इनेबल स्पेस पासवर्ड, तो पासवर्ड सेट करना है अपन को, स्पेस देके फिर पासवर्ड क्या डालना है वो मुझे लिखना है, तो वो डाल देता हूँ मैं इनेबल पासवर्ड, लेट सपोज मेरा पासवर्ड डालता हूँ मैं इनेबल ही, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत हो जाना। चलो मैं डालता हूँ पासवर्ड मेरा हैकर, ठीक है ना, ठीक है, हाय वी क्रिएटर एडिट भाई कैसे, बढ़िया। ठीक है, इनेबल पासवर्ड हैकर, तो मेरा पासवर्ड क्या है मैंने सेट कर दिया हैकर, मैंने सेट कर दिया मेरा पासवर्ड, एंटर मार देता हूँ मैं। अब आपका क्वेश्चन है कि तपन सर यहाँ पे भी क्या लॉगिन बताना पड़ेगा, मतलब इतना क्या दिमाग से पैदल है अपना सिस्को कि नहीं भाई, मतलब मैं इतना दिमाग से पैदल नहीं है सिस्को, सिर्फ फर्स्ट वाले में डालने की ज़रूरत है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं, लॉगिन करने की जरूरत नहीं, और अगर आपको चेक करना है कि तपन सर ये पॉसिबल भी है या नहीं है, यहाँ पे डालना है या नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क डाल दो ना बॉस, चेक करो, देखो यहाँ पे कहीं लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है क्या, कहीं ऑप्शन ही नहीं है, कहीं आ रहा ऑप्शन, नहीं ऑप्शन। तो इस तरीके से बेसिकली आप यहां पे, अब एक बार चेक कर लेते हैं एक बार इसको, एग्जिट एग्जिट पूछ रहा है वेरिफिकेशन सिस्को, जो मेरा पासवर्ड है, एंटर मारता हूं मैं, अब मुझे जाना है इनेबल मोड में, ई एन, एंटर मारा, फिर पूछा पासवर्ड, तो ये पासवर्ड जो रहेगा ना वो इनेबल पे लगाया है, ये पासवर्ड है मेरा हैकर, अब मैं घुस गया, अब उसके बाद फिर सारे मोड मेरे लिए ओपन हो गए। तो इस तरीके से आप 1-to-1 सारे के सारे मोड में पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तबन भाई मैं लेट हो गया, हाँ भाई अज्जू भाई काफ़ी लेट हो गए, गुड इवनिंग सैफुर रहमान भाई, ठीक है समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है पासवर्ड सेट कर सकते हैं दोनों मोड में, एक तो एंट्री लेवल पे मोड पे और एक उसके बाद वाले मोड में। अब उसके बाद क्या बात करनी है ये चीज़ मैं वहाँ जाके सेट भी कर देता हूँ, और बता दूँ मैं आपको ये इनेबल का पासवर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप टेलनेट लेते वक्त आपको बहुत इशू आने वाले। ई एन कॉन्फ़िग टी इनेबल पासवर्ड, अब मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ इनेबल या हैकर डालता हूँ, दोनों कॉमन रखना चाहिए, हैकर, ठीक है एग्जिट। तो अब ये जो है मेरा ये वाला काम क्या हो गया, मेरा
सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कमांड्स भी। हैकर मेरा पासवर्ड इसलिए मैं डाला है, ठीक है ना। नो 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 ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार और कौन सेट हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो है क्या सेट करना है आपने बोला तपन सर, ये तो अपन ने कर लिया, सारे काम हो गए अपने, स्विच हो गया, एमओडी दे दिया अपन ने, और चेक कर लेता हूँ मैं क्या क्या दे सकते हैं अपन और इसके अंदर। ठीक है, ये बेसिक वाला काम तो अपन ने कर लिया है। कॉन्फ्लिक्ट जाके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे भी कोई ऐसा जो अपन को देने की और ज़्यादा ज़रूरत है। देखो कमांड्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लास्ट में इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से बुक को आप रेफर करें सारे कमांड्स को सीखने के लिए, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं विलन, अब बनाएंगे हम लोग क्या विलन बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको टेलनेट करना है विलन टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, भाई उसके लिए आपको सिस्टम के अंदर प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी अपने सिस्टम के आईपी एड्रेस का, और उसके बाद फिर उसको फ़ोन के अंदर वाईफाई के थ्रू डालना पड़ेगा। अज्जू भाई के लिए क्वेश्चन का आंसर था, फ़ोन की प्रॉक्सी में सेट करना पड़ेगा आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस जो भी आपने बर्थ में डाला हुआ है, ठीक है। अब टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे है। तो आते इधर वापस से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई। वीडियो को एक बार लाइक कर देना प्लीज सपोर्ट करने के लिए। और एक और चीज कि ना, मेंबरशिप की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, 7 वीडियोस कल, 7 ही नहीं 8 वीडियोस हमने कल मेंबरशिप में अपलोड करी है। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है हमारे इस चैनल की तो जाके एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और वीडियोस हम लोग अभी डालेंगे, ठीक है ना। जैसे डालते रहेंगे तो मैं नोटिफिकेशन डालता रहूँगा आपको, तो आप जाके चेक कर सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखी है जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सारी मेंबरशिप्स के अंदर इनेबल है वाली जो वीडियो अभी डाली है, तो बेसिक लेंगे तब भी आपको चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करना अपन को, तो उसके लिए टेलनेट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ सेट करना पड़ता है। यहाँ पे स्विच नंबर 1 पे ही अपन यहाँ पे आओ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले आपने जब इसके ऊपर क्लिक करा, जब आप स्विच के ऊपर होवर करा मतलब माउस लेके गए, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने, सारे पोर्ट्स के बारे में डिटेल दे रखी है। फास्ट इथरनेट पोर्ट नंबर 1, 2, 3 तीन पोर्ट मेरे अप है इसलिए आपके सामने ही दे रखा है। हाँ भाई डीजे लोकल सिस्टम आगे का कोर्स है, जिनको भाई कोर्स रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भाई मैंने चैटबॉक्स में मैंने फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर देना, डिटेल आपको मिल जाएगी प्रॉपर डिटेल में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 तीनों अप है, क्योंकि मैंने तीनों पे केबल कनेक्ट कर रखी है। नीचे बिल्कुल लास्ट में आके देखेंगे ना आप, तो वीलन लिखा हुआ है, नजर आ रहा है सबको नीचे, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे जो लिस्ट खुली है उसके लास्ट में लिखा हुआ है वीलन 1 जो अभी डाउन है, दिख रहा है आपको VLAN 1 जो अभी डाउन है। और ये VLAN जो है ना यही रिस्पॉन्सिबल है आपके टेलनेट क्रिएट करने पे। टेलनेट अगर आपको कन्फिगर करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्विच 1 को, स्विच 1 के VLAN को कन्फिगर करना पड़ेगा, उसी के बाद जाके आप इसके ऊपर टेलनेट चला सकते हैं, ठीक है ना। तो अब टेलनेट चलाने जा रहे हैं, टेलनेट एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, तो एक बार थोड़ा देख लेना, ध्यान से समझ लेना ताकि याद रहेगी, ठीक है ना। फिर आप पूरे स्विच को पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी स्विच को एक्सेस करने के लिए स्विच को ओपन करके और तभी कमांड लाइन के थ्रू चलाना पड़ेगा, पर मुझे कंप्यूटर से एक्सेस करना है। जैसे हो सकता है कि आप एक बड़े नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपकी बहुत सारी बिल्डिंग है, तो बहुत सारी बिल्डिंग में आपके अलग अलग जगह
ठीक है ना, आपने अलग अलग जगह आपने ना बहुत सारे स्विचेस डाल रखे हैं, यहाँ स्विच डाल रखा है, वहाँ स्विच डाल रखा है, अब आपको हर स्विच के तरह कॉन्फिगेशन करना है। सो ये इतना ईजी थोड़ी ना कि आप हर स्विच के पास जाके कंप्यूटर ला के बैठोगे भाई, इससे तो अपना वेट कम हो जाएगा, हर जगह जाकर भाग भाग करते रहेंगे। तो इस कंडीशन में करना पड़ता है टेलनेट इनेबल करना पड़ता है। तो आप अपने कंप्यूटर बैठे बैठे नेटवर्क में हज़ार स्विच क्यों ना हो, यहाँ से बैठे बैठे आप सारे स्विच में कॉन्फिगेशन कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे आप सारे स्विच के अंदर लॉग इन करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही बैंक काम करता है, बैंक कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज, इसलिए उनके हेड ऑफिस में सारे बंदे होते हैं, नेटवर्क और ब्रांच ऑफिस में कोई भी नहीं होता आई का, क्योंकि वो हेड ऑफिस से बैठे बैठे लॉग इन मार के ब्रांच ऑफिस के अंदर जो भी चेंजेस करना है, कोई का कोई पोर्ट देना है, किसी को क्या देना है, किसी को कोई विलन असाइन करना है, सारे काम वो हेड ऑफिस से बैठे बैठे कर लेता है, इसलिए अपन इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो वो सिखाने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ना छोड़ना मत इसको, ठीक है ना, और अभी तक कंटिन्यू चलने देना। और जो लोग बीच में आए हैं बादों में आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप हैकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो CCNA जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं काफ़ी कुछ तो करा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑल दो 30-40% मैं करा दूंगा CCNA, क्योंकि CCNA काफ़ी बड़ा कोर्स है, पूरा तो नहीं करा पाऊंगा मैं, पर मुझे जितना लगता है कि आपको इतना तो मिनिमम आना ही चाहिए, तो उतना तो मैं करा दूंगा आज आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक सेशन इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे मैं आपको रियल हार्डवेयर पे काम कराऊंगा, हार्डवेयर स्विच के ऊपर मैं आपको काम कराऊंगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा। अगर मुझे 200 कमेंट आप डालोगे चैट बॉक्स के अंदर कि भाई पार्ट 3 लेकर आओ, तब जाके मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, उसके अंदर अपन रियल हार्डवेयर स्विच पे काम करेंगे, माइंड माई वर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने कि पहले मुझे एक आई पी एड्रेस सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं करूँगा INT VLAN 1। अब देखो यहाँ पे मैं एक नया मोड दिखा रहा हूँ, पहले मैंने ग्लोबल कॉन्फिग मोड दिखाया था आपको, उस मोड के अंदर मैंने आपको एक मोड दिखाया जिसके अंदर अपन ने लाइन वाला मोड था, जहाँ हम पासवर्ड सेट कर रहे थे, ठीक है ना, तो लाइन वाला मोड एक मोड था। अब एक मैं INT वाला मोड दिखा रहा हूँ, जिसे हम इंटरफेस मोड बोलते हैं। इंटरफेस मोड मतलब इंटरफेस रिलेटेड, मतलब जो भी स्विच हैं उनके पोर्ट्स हैं, उनके किसी भी इंटरफेस पे आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में आपको INT वाला मोड ऑन करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। INT स्पेस देके मैंने टाइप करा है VLAN 1, मतलब कि मैं VLAN 1 पोर्ट पे जाना चाह रहा हूँ और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा हूँ। VLAN 1 पोर्ट दिखता नहीं है सामने से, ये वर्चुअल पोर्ट होता है आपका, तो ऐसा कोई पोर्ट नहीं जिसमें लैन केबल डाल के कनेक्ट कर लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आपको टर्मिनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। INT VLAN 1 टाइप करा मैंने, एंटर मारता हूँ मैं, जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो टाइप करने के बाद मैं एंटर करते ही दिख रहा होगा, अब आपके सामने यहाँ पे एक नया मोड आ गया है जो है config-if। इसको सेम टाइम पे मैं लिखते भी चलता ताकि आपको भी याद रहे और आप साथ में परफॉर्म कर सकें। config और मैंने टाइप करा यहाँ पे INT VLAN 1। जब INT VLAN 1 टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएगा, इंटरफेस में चला गया। ठीक है, अब जो मोड आएगा आपके सामने वो आएगा config-if हैश लगा के, फिर आपको देना है यहाँ पे IP AWDR एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है ना, अभी यहाँ पे कोई राउटर नहीं है तो डिफॉल्ट गेटवे बनता नहीं है, तो डिफॉल्ट गेटवे को पहला आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं, ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है हमारी। ठीक है ना, आप चाहो तो उसको 10वां भी आईपी एड्रेस दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ मना नहीं करने लगे भाई ये क्या, मतलब कुछ भी आप कुछ भी दे दोगे क्या मुझे, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, पर हाँ एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि हमेशा एक नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस जो 192.168.1.0 के बाद वाला नेक्स्ट आईपी एड्रेस 1.1 वाला जो है, ठीक है ना, तो वो आईपी एड्रेस हमेशा राउटर को जाना चाहिए। ठीक है ना, और अगर आपके नेटवर्क में राउटर है और आपके नेटवर्क में आपको VLAN बनाना भी है तो VLAN को फिर आप दूसरा आईपी एड्रेस दें, आप 1.10 दे सकते हैं, 11, आपकी जो मर्जी पड़े दे दें, पर अभी मेरे नेटवर्क में राउटर नहीं है तो मैं पहला आईपी एड्रेस दे रहा हूँ सिंक करने के लिए। ठीक है ना, और सामने वाले सिस्टम को, सामने वाले स्विच को मैं दूसरा आईपी एड्रेस 1.2 दूंगा मैं, ताकि दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, डाल दिया मैंने, ठीक है यहां पे मैंने आई एड्रेस डाल दिया, फिर आपको साथ में इसका सबनेट मास्क भी देना पड़ता है क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है ये, क्लास सी का एड्रेस, जिनको नहीं पता मैंने थोड़ा पीछे वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा मैंने क्लासेस के बारे में डिफाइन करा था, तो ये क्लास सी का एड्रेस जिसका आईपी एड्रेस रेंज होता है 192.168 वाला रेंज होता है, उसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है 255.255.255.0। ठीक बात है, तो मैं एंटर कर देता हूँ, और इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो फिर आपको एक नेक्स्ट कमांड और टाइप करना है, -if
नो शट। अब ये कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, अब ये कहाँ काम आता है कहाँ काम नहीं तो बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कमांड आ गया आपका, ये दो कमांड करूँगा मैं VLAN के IP एड्रेस सेट करने में। अभी मैंने टेलनेट पूरा कन्फिगर नहीं करा है, अभी सिर्फ मैंने IP एड्रेस सेट करा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे IP स्पेस AWDR एड्रेस डाल दिया, स्पेस देके मैंने यहाँ पे डाल दिया 192.168.1.1, स्पेस देके मैंने इसका डाला है सबनेट मास्क 255.255.255.0, स्पेस देके नोशेट करा है। बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा स्विच के अंदर जैसे ही मैंने कोई भी केबल को कनेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली वो जो पोर्ट था ना वो अपने आप अप हो गया था, पर VLAN के अंदर इस सिचुएशन में VLAN के अंदर ऐसा नहीं होता है। VLAN में अगर आप IP एड्रेस दे दोगे ना तो वो डायरेक्टली अप नहीं करेगा, उसको आपको मैनुअली कमांड के थ्रू अप करना पड़ता है। देखो अब ये यहाँ से हम साइबर सिक्योरिटी को भी लिंक करूँगा मैं आपके नेटवर्किंग से, ताकि आपको पता चले कि सिस्को जो है ना ये क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्निफिंग करते हैं, जिनको नहीं पता स्निफिंग, एक बार हमारे वीडियोज़ रखी हुई है उसको जाके चेक कर लेना, क्योंकि हैकिंग वीडियोज़ बनाते हैं हम लोग। तो स्निफिंग जब हम करते हैं तो स्निफिंग कब होता है, जब हैकर आपके नेटवर्क में जुड़ सकता है। अभी जुड़ना दो तरीके से होता है, एक होता है वाईफाई के तरीके से, थोड़ा जूम कर दूं यार ये तो मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूं बस, है ना, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊँ, जैसे मैं हटाऊंगा तो हट जाएगा वो अपने आप ही, ठीक है। चलो ठीक है यार, आपने बोला है तो मैं मैग्नीफाई भी कर देता हूं। हाँ तो आपने देखा था कि ना अपन स्निफिंग करते, स्निफिंग में हम करते क्या है कि भाई एक हैकर जो है ना नेटवर्क में जुड़ के, ध्यान दे मेरी बात को, नेटवर्क के अंदर जुड़ के आपके नेटवर्क के अंदर डेटा को कैप्चर कर पाता है, ठीक है ना, वायरशार्क का यूज़ करके या दूसरे ईथर कैप का यूज़ करके MITM अटैक परफॉर्म कर पाता है। तो वो कब कर पाएगा, जब नेटवर्क में जुड़ेगा। वो जुड़ेगा कैसे, आइदर वाईफाई के थ्रू, और बहुत सारी कंपनी वाईफाई बनाती ही नहीं अपने नेटवर्क के अंदर क्योंकि वो अनसिक्योर होता है। तो क्या करेगी, आपका लैन पोर्ट के थ्रू जुड़ेगा, और लैन पोर्ट में कब जुड़ेगा, जब उस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई केबल लगी हुई नहीं होगी। तो अगर ओपन पोर्ट है, देखा होगा आपने कई बार स्विचेस के अंदर आपने देखा होगा कि अगर मान लो एक स्विच आपके पास 24 पोर्ट का, उसमें 10 पोर्ट ही काम आ रहा है तो बाकी पोर्ट आपके खुले पड़े हुए हैं ऐसे ही, उसमें कोई हैकर अपनी लैन केबल लगा के कनेक्ट कर सकता है। पर अगर आप उस पोर्ट को डाउन करना चाह रहे हैं तो एक कमांड होता है शट डाउन उस पोर्ट पर। जैसे अभी मैं गया ना INT VLAN 1, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं VLAN 1 वाले पोर्ट पर गया। ऐसे ही आप INT space F0/1, ये होता है फास्ट ईथरनेट 0/1, तो पहले पोर्ट पे जाके अगर मैं शट डाउन करूंगा तो वो अपने आप ही पोर्ट बंद हो जाएगा। तो उसके बाद अगर जो मेरे पोर्ट ऐसे ओपन है जिनके अंदर मैंने कोई लैन केबल कनेक्ट नहीं कर रखी है, आइडियली मुझे उन सारे पोर्ट को कमांड के थ्रू शट डाउन कर देना पड़ता है, ताकि जब कोई लैन केबल लगाने की कोशिश करेगा तो वो लैन केबल लगी नहीं पाएगी और वो MITM अटैक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको पेटल करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे ये होगा, करने पे आएगा नहीं, अब आ गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखो लिखा हुआ रहा है यहाँ पे VLAN जो है डाउन दे रखा है, VLAN जो है नीचे डाउन दे रखा है अपना। तो VLAN जब डाउन है तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या है कि अभी आप इसको अप करना पड़ेगा। अप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड्स दे दिया मैंने आपको, INT VLAN 1, पहले आप VLAN 1 पोर्ट में जाएं और फिर उसको IP एड्रेस असाइन करें, IP space AWD एड्रेस, पूरा नहीं मैंने शॉर्ट फॉर्म में टाइप करा है, स्पेस देके IP एड्रेस, मेरे रेंज का पहला IP एड्रेस अगर राउटर नहीं है नेटवर्क में तो 192.168.1.1, आप इसको सिस्टम नेटवर्क में रेंज में कोई सा भी IP एड्रेस दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस देके 255.255.255.0, ध्यान दे ये IP एड्रेस किसी और सिस्टम को आपको असाइन नहीं करना, बस ये ध्यान रखें आप। स्पेस देके नो शट इसलिए करा क्योंकि जो VLAN का पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली अप नहीं हो जाता, स्विच में आपने लैन केबल लगाया अपने आप अप हो जाता है, पर VLAN में ऐसा नहीं होता, और इवन राउटर के अंदर भी ऐसा नहीं होता। राउटर में आपको हर पोर्ट पे जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा, नो शट करना पड़ेगा, तब जाके वो चलेगा, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर आते हैं, नहीं नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है, वो कॉल आईडी चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, अब इसके बाद मैं कमांड करते हैं, INT VLAN 1 डाल दिया मैंने। VLAN 1 डालने के बाद मुझे करना है यहाँ पे IP एड्रेस, और फिर मुझे डालना है यहाँ पे 192.168.1.1, फिर 255.255.255.0, ठीक है ना, जो मेरे सबनेट मास्क है मेरे नेटवर्क का क्लास सी का, यहाँ पे डाल दिया मैंने। फिर मुझे टाइप करना नो शट, ठीक है, नो शट टाइप करूँगा मैं, एंटर मार देता हूँ मैं। ये करने के बाद देख रहे आपको यहाँ पे लिखा आ गया link-5 changed इंटरफेस VLAN 1 चेंज
स्टेट टू अप, तो आपको जब तक कि ये पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। इसलिए मैं हर एक एरर को, हर एक मैसेज को डिटेल में पढ़ के समझाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रबल शूटिंग करने में आपको जान निकल जाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखो छोटा नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं, 4-5 कंप्यूटर, 10-15-50 कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहाँ पे 400-500-1000-2000-5000 कंप्यूटर होंगे ना, और वहाँ पे जब कुछ इशू आएगा तो आप इसकी एरर से आइडेंटिफाई करोगे। और मुझे 13 साल हो गए सिस्को पे काम करते करते, 13 ईयर हो गए सिस्को पे काम करते करते, मेरी खुद की पर्सनल लैब भी है सिस्को के ऊपर, तो इसलिए हमें पता है कि हमें किस किस चीज़ों पर बहुत फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप हो गया ये वाला, एंटर मारता हूँ अब मैं। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये अप हुआ या नहीं हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे विलेन 1 लिखा हुआ आ रहा है, अप है, और इवन उसका आईपी एड्रेस भी आपके सामने दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है आपको विलेन 1 स्पेस अब दे रखा है वहाँ पे, और फिर मेरा आईपी एड्रेस भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है 192.168.1.1। मेरे हिसाब से आप लोगों को है ना जूम दिख नहीं रहा होगा, जूम दिख रहा है क्या, बताना जरा मुझे एक बार, नहीं विजिबल होगा जूम आपको नॉर्मली। ठीक है, अब जाके मुझे करना है, अपन ने ये जो डिफाइन करना था वो अपन डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, इस पर्टिकुलर स्विच पे जाना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके एग्जिट करना है, अब मुझे लाइन मोड में जाना, लाइन VTY बेसिकली क्या होता है हमारा, हाँ नहीं हो रहा ना, याद है मुझे, वो नहीं हो रहा, मैं जूम करने याद भी नहीं चल रहा वो। ठीक है, अब मुझे लाइन VTY 0 space 15, तो मतलब कि देखो यहाँ पे लाइन VTY 0 space और 15, तो मतलब एक टाइम पे एक स्विच का टोटल मिला के 16 लोग 0 से लेके 15 के बीच, मतलब टोटल 16 लोग टेलनेट कर सकते हैं। मतलब अगर एक स्विच को एक्सेस करना है तो टेलनेट के थ्रू 16 लोग एक्सेस कर सकते हैं। उन सब का मैं क्या सेट करने वाला, पासवर्ड, तो मैंने 15 कर दिया, 0 space 15 लाइन स्पेस VTY और स्पेस और फिर 0 space 15। जब मैं एंटर मारता हूँ इस चीज़ को, एंटर मारने के बाद यहाँ पे मुझे सेट करना है पासवर्ड, तो पासवर्ड डालता हूँ मैं पासवर्ड, और फिर अब मुझे करना है पासवर्ड डालना है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। थैंक यू सो मच अजू भाई, ठीक है ना, पासवर्ड टेलनेट, ठीक है, मैं टेलनेट डाल दिया इसका पासवर्ड, एंटर मारता हूँ, और फिर यहाँ पे देखो लॉगिन के लिए पूछ रहा है क्या, तो बोला हाँ लॉगिन तो है, तो यहाँ पे लॉगिन कर देना अपन को। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर वही दिक्कत होगा, ये लॉगिन पूछेगा नहीं, सेट कर रखा है पर पूछेगा नहीं आपसे। ठीक बात है, एग्जिट मार लेता हूँ, अब मेरा जो सिस्टम है ना वो रेडी है टेलनेट एक्सेस करने के लिए। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं, तो मेरा इस वाले सिस्टम का आईपी एड्रेस मैंने दिया है 192.168.1.1, और टेलनेट में इस पर रन कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड मेरा टेलनेट ही है। अब टेलनेट एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने कंप्यूटर पर जाना है आपको, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ टाइप करना है टेलनेट, टेलनेट फिर आईपी एड्रेस टाइप कर देना है 192.168.1.1, ठीक है, एंटर मार देना है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा आ गया, वेलकम टू स्विच 1 नेटवर्क, लाइक करो शेयर करो, नहीं करा तो कर दो भाई। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ है वेलकम टू स्विच 1, तो मैं स्विच 1 के नेटवर्क में एंटर करने वाला हूँ, और अब ये बोला है मुझे यूजर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन में मैं डालता हूँ सिस्को। अब सिस्को उसने लिया नहीं क्योंकि मैंने सेट कर रखा है टेलनेट का पासवर्ड, तो मैं डाल रहा हूँ टेलनेट। तो बता दूं मैं आपको, जो यूज़र वेरिफिकेशन वाला होता है ना, पहला वाला वेरिफिकेशन, तो जब आप डायरेक्टली कंसोल के थ्रू जाओगे, देखो यहाँ पे दो चीज़ अपन ने सीखी है, मतलब 3 पासवर्ड लगाए हैं अपन ने अभी तक लाइन VTY में जाके, और एक तो अपन ने लगाया कंसोल में लगाया पासवर्ड, ठीक है ना, एक इनेबल पे लगाया पासवर्ड, और एक लगाया अपन ने टेलनेट पे पासवर्ड। समझ में आ गया आपको, अपन ने अभी तक अपन पूरे 3 पासवर्ड लगा चुके हैं, तो अपन ने कंसोल पे जो लगाया ना वो क्या था, लाइन स्पेस कॉन स्पेस 0 कंसोल, तो वो कंसोल के लिए वो टेलनेट पे काम नहीं करेगा वो पासवर्ड। जब आप रिमोटली टेलनेट को लॉगिन करने जाओगे ना तो वो उसमें पासवर्ड को मतलब पासवर्ड चेक करने के लिए इनेबल नहीं करेगा, और वो आपको कंसोल वाला पासवर्ड यहाँ पे आप डालोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक बात है, यहाँ पे जो चलेगा वो चलेगा इनेबल वाला पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, इनेबल जो अपन ने कमांड टाइप करा था, जो अपन ने इनेबल मोड पे लगाया था वो काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो काम करेगा वो जो अपन ने लाइन VTY में सेट करा था पासवर्ड, लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 15, जो अपन ने वो टाइप करा था वो यहाँ पे काम करेगा।
समझ में आ गया आपको? तो ये ऐसे यहाँ पे जो पासवर्ड काम करने वाला है, कई बार बहुत सारे शून्य करते हैं कि सर वो कंसोल वाला डाल रहे हैं पासवर्ड, वो चलेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो कंसोल के लिए बॉस, टेलनेट के लिए तो अपन टेलनेट पर डाला है ना पासवर्ड, लाइन VTY वाला, वो चलेगा यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे EN करता हूँ तो फिर पूछ रहा है पासवर्ड, तो अगर मैं यहाँ पे EN में अगर मैंने पासवर्ड सेट नहीं करा है तो मुझे एंटर ही नहीं करने देगा वो अंदर, तो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है, सॉरी, ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा टर्मिनल चला सकता हूँ यहाँ से बैठे बैठे, ठीक है। अब ये आपका रिमोट एक्सेस के लिए आपका स्विच जो है ना वो रेडी हो गया, और इस तरीके से आप पूरे स्विच को पूरे नेटवर्क के अंदर आराम से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है स्विच के कॉन्फ़िगरेशन का, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर होगा, इसकी मैं थर्ड क्लास लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आज इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है, जितने आने चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला, मैं यहीं पे एंड करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी 10:30 से स्टार्ट होगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वो हैकिंग पे रहेगा, ये मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि जो स्टूडेंट अपना करियर प्लान कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनको ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट, सर हम हैकिंग सीख लेते हैं, हैकिंग तो हैकिंग कुछ नहीं है बॉस, नेटवर्क सीखना ज़रूरी है, कोडिंग सीखना ज़रूरी, तब जाके हैकिंग आएगी, अदरवाइज़ तो फिर आप सिर्फ ना वो स्क्रिप्ट के डी जिसे बोलते हैं ना वही बन के रह जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब्सक्राइबर्स को मैं प्रॉपरली सही गाइड करूँ, और मुझे लग रहा था कि नेटवर्किंग का भी एक पार्ट बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं लेकर आया, और डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा आता है, वीडियो उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। 200 कमेंट आएंगे वीडियो पे तो Part 3 आएगा, अदरवाइज ये सीरीज़ को मैं यहीं पे रोक दूंगा, ठीक है ना। जैसे मेरी पिछली सीरीज़ को मैंने रोका हुआ था, एक सीरीज़ थी मेरी मोबाइल ऐप की सीरीज़ थी, उस पर इतने कमेंट और व्यूज़ नहीं आए थे तो मैंने रोक दिया था। टोटल डिपेंड करता है कि कितने लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग बेनिफिट मिलेगा तो हम उस पर एफर्ट लेंगे, क्योंकि 3-3 घंटे ज़्यादा घंटे पढ़ाना पड़ता है भाई, वो भी फ्री के अंदर, और जितना कंटेंट हम लोग दे रहे ना उतना शायद ही कोई आपको क्लासेस के अंदर दे रहा होगा, वीडियो के अंदर एक क्लास में, तो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं मैक्सिमम चीज़ें देना, और हमारे भाई जितने भी हैं उन सब के लिए हम मैक्सिमम ट्रूली मेहनत करते हैं अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लाने के लिए, ताकि आपको इंडस्ट्री भी सब ट्रेन हो सके। सिर्फ CCTV कैमरा हैक करने से कोई हैकर नहीं बन जाता, ठीक है ना, कोई मोबाइल फ़ोन हैक करने से हैकर नहीं बन जाता। ट्राई करते हैं सब चीज़ें लेकर आए, ठीक है। तो अभी देखो व्यूज़ तो ना 7 और 8 ही आ रहे हैं, पर तब भी अपना डेडिकेशन जो था ना भाई, अपन ने वही डेडिकेशन दिया जो अपने 60-70 व्यूज़ या 100 व्यूज़ जब आते हैं हमारे लाइव स्ट्रीम में, वही डेडिकेशन हमने 7 से 8 व्यूज़ पे भी दिया है। तो ये हमारा डेडिकेशन है, ठीक है ना। आप डेडिकेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइक करके कितना शेयर करते हैं, कितने मैक्सिमम ग्रुप में ये शेयर करते हैं, तो अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा सा एक सपोर्ट मिलेगा, और ट्राई करते हैं हम लोग हमेशा आपके लिए बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करा जाएगा, और आगे 10:30 बजे मैं सेशन लूँगा। अब मैं डिसाइड नहीं करा टॉपिक कौन सा लूँगा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि टॉपिक कौन सा लेने वाला हूँ मैं, और फिर मिलते हैं 10:30, तो उससे पहले खाना वाना खा लीजिए, और फिर मिलते हैं 10:30 वाली क्लास में। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।